सत श्रीकाल दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर जेएस बत्रा, आपका होस्ट, दोस्त, मेंटोर और चीफ कोच भी। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर जेएस बत्रा आईटीएसएम, बीएएसएसएम और इसका ग्रुप। जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था, हम रोज ही इस इम्पोर्टेंट सीरीज को आपके पास लेके आएंगे। तो आज इस सीरीज का ये सेकेंड वीडियो आपके सामने है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, ईएएस के जिसमें अमेंडमेंट आया है। बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं अपन चैप्टर 2 को। और जैसा कि आपको पता ही है, चैप्टर 1 का वीडियो कल हम जारी कर चुके हैं और उस चैप्टर 1 के वीडियो में ही आपको लिंक मिल जाएगा इन नोट्स का, जिनसे हम पढ़ा रहे हैं आपको। और साथ में फ्लो चार्ट्स के भी लिंक अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी हैं, रिवीजन वीडियोस की है, बहुत कुछ है। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, आपको बहुत सारी चीजें वहां मिलने जा रही है। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 को आज। तो चैप्टर 2 है हमारा आज शुरू करने के लिए हमारे पास में, देखें सभी लोग, चैप्टर 2 जिसका नाम था फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एप्लीकेशन, उसमें कहां परिवर्तन आया है, चेंज आया है। हमें एक चीज पढ़नी है इसमें, इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें? इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड एप्लीकेशन। आपको ध्यान आ रहा हो तो हमारे नोट्स के पेज नंबर 10 पे है, क्यों क्या मैं पेज नंबर 10 पे हमने आपको चैप्टर 2 में बताया था इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वर्सेस वेब एप्लीकेशन। ध्यान आ रहा है क्या सबको? तो वेब एप्लीकेशन जो था ना, वो हटा दिया गया है इसमें से अब, और उसकी जगह हम पढ़ेंगे अब क्लाउड एप्लीकेशन को। तो भी देखो, यहाँ चेंज करना है आपको। पेज नंबर 9 के बाद पेज नंबर 10 में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वर्सेस वेब था, उसकी जगह हम पढ़ेंगे क्लाउड एप्लीकेशन। आप सबको ध्यान आ रहा होगा, एक टेबल थी हमारी जिसमें इंस्टॉल्ड और वेब को कंपेयर किया गया था। अब उसमें पर्टिकुलर्स वही है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की डिटेल वही है, केवल यहाँ वेब की जगह क्लाउड की बात आ गई है। एक नई टेबल अपन देखने जा रहे हैं जिसमें हम क्या देखेंगे, इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड के एप्लीकेशन। तो ये एक नया परिवर्तन है जो अपन इसमें देखेंगे यहां तक। बाकी सारी चीजें इसके अंदर आपके पास में आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं अपन क्या पढ़ना है अपने को इस बार के लिए, जो इंस्टीट्यूट ने नया अमेंड किया है जून 20 एंड ऑनवर्ड, जितने भी एग्जाम है, इवन नवंबर 20 के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जितना भी अपन पढ़ रहे हैं ये केवल जून के बच्चों के लिए नहीं है, इंस्टीट्यूट ने अमेंड कर दिया है सदा के लिए। इसका मतलब नवंबर 20 और उसके ऑनवर्ड के भी जो बच्चे आएंगे उनको भी ये पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं तीन तरीके की एप्लीकेशन होती है, हमने पढ़ाते हुए आपको बताया था और इतना तो अपने कोर्स में भी था। एक होती है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपके हार्ड डिस्क पे, सेकेंड जो हुआ करती है उसको अपन कहा करते हैं वेब एप्लीकेशन, जो कि www वेबसाइट पे होती है, और तीसरे को अपन कहा करते हैं क्लाउड एप्लीकेशन, जो कि जनरली क्लाउड पे, अमेज़न पे या गूगल डेटा सेंटर पे या फिर फेसबुक के सर्वर्स पे स्टोर हुआ करती है। इंस्टीट्यूट ने वेब की जगह क्लाउड को रख दिया है। तो सबसे पहले क्लाउड एप्लीकेशन की बात करें जो हमें यह बताई जा रही है। क्लाउड एप्लीकेशन, these day many organization do not want to install financial application on their own IT infrastructure. दिक्कत क्या है? अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे रखते हैं तो देखभाल करनी पड़ती है, उसकी संभाल करनी पड़ती है, उसमें नई अपग्रेडेशन आती है तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं ये टेक्निकल काम हमारा मुख्य काम नहीं है, हमारा मेन काम बिजनेस करना है, क्यों ना इस काम को हम एक थर्ड पार्टी ओनर को दे दें जिसका नाम क्लाउड सर्विस वेंडर हो सकता है, जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एप्लीकेशन एज ए सर्विस, किसी भी तरीके से हमें सर्विस दे सकता है इस बात के लिए। For many organizations, the thought process is that it is not their primary function to operate complex IT system and to have a dedicated IT team and hardware which require hiring highly skilled IT resources and to maintain the hardware and software to run the daily operation. तो वो कहते हैं इस काम को अपन क्लाउड वाले को दे देते हैं, खुद नहीं करते अपन। The cost may become prohibitive. अब खुद का काम करते हैं, इन सब चीजों को रखते हैं, तो naturally इसमें अपनी cost भी लगती है। Thus, organizations increasingly are hosting their application on internet and outsource the IT function. There are many methods through which this can be achieved. Most common हमने पढ़े हैं इसमें क्लाउड वाले एप्लीकेशन में चैप्टर 4 में कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS, ऐसी कई चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं तो उनको हम यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपन क्या देखने जा रहे हैं अपन पर्टिकुलर्स में दो चीजों के बीच में कंपैरिजन के तौर पे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में हम देखेंगे यहाँ पे 7 प्रकार की चीजों को, पर्टिकुलर्स में टोटल 7 है। पहला है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेन। जहां तक इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की बात है, आपको पता है वो हार्ड डिस्क में डाली जाती है। अगर मेरे यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम टैली डालना है तो मैं अपने हार्ड डिस्क पर डाल दूंगा, ये क्या कहलाएगा, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। और अगर वो www.tallysolution.com से चल रहा था तो हम कहेंगे उसको वेब एप्लीकेशन। लेकिन अगर इसको हम अमेज़न सर्वर पर रख देते हैं, फेसबुक के सर्वर पर रख देते हैं, गूगल डेटा सेंटर के सर्वर पर रख देते हैं,
और वहां से दुनिया में कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं वेब सर्वर के थ्रू, तो फिर क्लाउड सर्वर के थ्रू, तो हम इसको नाम क्या देंगे, क्लाउड एप्लीकेशन। तो देखो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर, और इसका मतलब एक कंप्यूटर को उसको रखा जाता है और वहीं से उसको एक्सेस किया जाता है और वहीं पे उसको मेंटेन और अपडेट करना पड़ता है। जबकि क्लाउड में क्या होता है, इंस्टॉलेशन ऑन द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड, अपडेट और मेंटेनेंस जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर का काम हुआ करता है। ये तो हुआ पहला अंतर। सेकंड बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। अगर वो आपके मशीन पे इंस्टॉल्ड है तो नेचुरली उसको एक्सेस कहाँ करेंगे, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को उसी कंप्यूटर पे जाके आपको एक्सेस करना पड़ेगा, आप हर जगह से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वहीं पे क्लाउड की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन एक्सेस, इसको आप ब्राउजर की मदद से दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड ओवर 25/7। ठीक है, तो मैं यू कहूँ तो वेब में जो भी बातें दी ना वो सारी क्लाउड में भी लिखी हुई है, लेकिन हमें यहाँ क्लाउड के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको, जहां हमने एक सारा काम थर्ड पार्टी वेंडर को दे दिया। वेबसाइट में हम थर्ड पार्टी वेंडर को नहीं देते, वेबसाइट पे एक स्पेस लिया करते हैं जिसका मंथली रेंटल या ईयरली रेंटल हम पे करते हैं। क्लाउड सर्विसेज में हम क्या करते हैं, वेब का स्पेस भी लेते हैं, सर्विस एंड मेंटेनेंस के चार्जेस भी उसको देते हैं, अपग्रेडेशन का काम भी उसको देते हैं, जबकि वेबसाइट हमें खुद ही मेंटेन और अपग्रेड करानी पड़ती है। जबकि क्लाउड पे सारा काम किसका हो जाता है, हमारा सर्विस प्रोवाइडर का हो जाता है। तो क्लाउड एक तरीके से वेब का एक्सटेंशन है, वेब से बेटर है। तीसरा था मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर को मोबाइल एप्लीकेशन मतलब कहीं भी चलते फिरते हुए यूज कर सकते हैं कि नहीं, अगर मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर लगा हुआ है तो मुझे वही जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं 24/7, क्योंकि टेक्नोलॉजी में मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब होता है आप इसको डेस्कटॉप से चलाओ, लैपटॉप से चलाओ, मोबाइल पे चलाओ, कहीं से चलाओ। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जैसे कि आप सबको पता है, हमने भी अपनी क्लासेस को पहले हम केवल इसको गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव अवेलेबल करवाते थे, अब इस लॉकडाउन में क्या है हम पेन ड्राइव भी शिफ्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा गूगल ड्राइव पे भेजते तो कई बच्चे कहते हैं हमारे पास में तो हम जहाँ अवेलेबल है वहाँ लैपटॉप और डेस्कटॉप भी नहीं है, तो सर हमारे को तो मोबाइल ऐप पे दे दो। तो हमने क्या किया है, हमारी एप्लीकेशन को क्लाउड के माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशन वर्जन में भी बना दिया है। तो अब हमारे सारे के सारे कोर्सेज को कोई बच्चा अपने एंड्रॉयड ऐप पे भी देख सकता है और आसानी से उसको यूज कर सकता है जैसे वो अपने कंप्यूटर पे देख सकता है। तो इस लॉकडाउन सिचुएशन में जब हम फेस टू फेस क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं, सारे बच्चों को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाउड की मदद से मोबाइल एप्लीकेशन पे देख पा रहे हैं। मतलब मोबिलिटी बनी ना तो मोबाइल एप्लीकेशन का ये बेनिफिट होता है। नंबर 4, डेटा स्टोरेज। जहां तक डेटा स्टोरेज की बात है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन द प्रमाइसेस ऑफ द यूजर। ठीक है, सपोज करो मेरा ऑफिस E96 कल्पतरु शॉपिंग सेंटर में है, वो सारा का सारा डेटा वहीं पे मेरा रखा हुआ है, मेरा मशीन भी वहीं है और सारे रिसोर्सेज भी मेरी वहीं है। अब लॉकडाउन सिचुएशन में मैं वहां जा नहीं सकता, मेरे पास परमिशन नहीं है सरकार द्वारा वहां जाने की, तो बताओ मैं काम कर पाऊंगा क्या, नहीं। लेकिन अगर ये चीज क्लाउड पे रखी हुई है तो भले लॉकडाउन हो जाए मैं अपने लैपटॉप से उसको एक्सेस कर लूंगा, अपने मोबाइल से उसको एक्सेस कर लूंगा, तो ये मेरे को जो है डेटा स्टोरेज की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। डेटा इज नॉट स्टोर्ड ऑन द यूजर सर्वर कंप्यूटर, इट इज स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर, है ना। और उसके बाद क्या होता है, ओनरशिप जो होती है वो हमारी सर्विस लेवल एग्रीमेंट से गवर्न होती है और इस तरीके से दुनिया में कहीं से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पांचवी बात आती है डेटा की सिक्योरिटी को लेके। इस मामले में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का डेटा ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि वहां किसको जाने दें नहीं जाने दें हमारे ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। एज द डेटा इज फिजिकली कंट्रोल ऑफ द यूजर, यूजर शैल हैव द फुल फिजिकल कंट्रोल ओवर द डेटा एंड ही कैन इंश्योर दैट नो वन कैन एक्सेस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। वहीं क्लाउड में क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी से चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड एप्लीकेशन को शेयर्ड बेसिस में यूज करते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं हुआ करता है। तो SLA अगर हमारे अच्छे नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे हमारे को सिक्योरिटी की रिस्क आ सकती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस की। जहां तक बात है परफॉर्मेंस की बात करें तो वेल जो हमारी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती है वो एक इंडिविजुअल यूजर के लिए होती है, उसी मशीन पे होती है, तो हमेशा वो फास्टर रन करेगी वेब एप्लीकेशन की, क्योंकि जो हमारी क्लाउड पे एप्लीकेशन होती है वो डिपेंड करती है इंटरनेट की स्पीड पे, और चूंकि वो शेयर्ड होती है इसलिए नेचुरली उसकी स्पीड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के मुकाबले कम ज्यादा होगी। और स्लो इंटरनेट का मतलब हमारे यहाँ स्लो ऑपरेशन भी होते हैं क्लाउड के ऊपर, ऐसा आप महसूस भी करते हुए दिनों, चूंकि सभी लोग इस समय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं अपने घर बैठे हुए, तो आपको क्या वो स्पीड मिल पा रही है जो लॉकडाउन से पहले मिला करती थी, ये एक डिफरेंस है इसमें। सेवंथ आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन शैल हैव द मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल एज कम्पेयर टू द वेब एप्लीकेशन, क्योंकि हम इसको आसानी से बदल सकते हैं अपने हार्डवेयर के हिसाब से कर सकते हैं और सो ऑन। जबकि यहाँ पे सक्सेस ऑफ द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन इज दैट दे अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी अगेन बोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेंडिचर, कैपेक्स और ओपेक्स, ये दो चीजों की हमारी खर्च को बचा देती है, जबकि यहाँ उस खर्चे को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकती है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में। तो दोनों की अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सात तरीके की चीजें अपन ने इसमें देखी।
और बेसिकली हमारे लिए टॉपिक नया नहीं है, फर्क केवल इतना है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन पढ़ते थे पहले, अब हम पढ़ेंगे इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड एप्लीकेशन। तो आपको क्लाउड की बातें याद रखनी है, बाकी बातें वही है, पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, एक्सेसिबिलिटी, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सो ऑन। बात आगे के सबको समझ में। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम। मैं बता दूं बेनिफिट पहले भी थे हमारे कोर्स में, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इसको बदल के रख दिया है। अब पुराने वाले जो बेनिफिट्स थे वो तो डिस्कार्ड कर लो आप सारे लोग। पेज नंबर 19 जो है ना हमारे कोर्स में, जो हमने आपको नोट्स दे रखे हैं वहां पे आपको मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको पेज नंबर 10 पे हमारे नोट्स में। और अब ये कहाँ मिलेगा आपको हमारे? ये मिलेगा पेज नंबर 19 में आपको मिलेगा। तो आइए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर 19 है कहाँ हमारे इस ओल्ड कोर्स, ओल्ड जो हमने मटेरियल आप लोगों को दे रखे हैं उसमें, ताकि आप ये समझ सको कि आपको कहाँ पे परिवर्तन करना है। तो ये तो था 10 वाला, अब आ जाओ 19 पे चलते हैं अपन। ये ध्यान हो तो आपने 19 में पढ़ा था एडवांटेज ऑफ ईआरपी सिस्टम, मैंने डिलीशन में से कटवा दिया था और मैंने वहां बताया था अमेंड हुआ है ये बेनिफिट ऑफ ईआरपी सिस्टम में। तो देखो एक बड़े तौर पे इंस्टीट्यूट ने यहाँ चेंजेस किए हैं, बदले हैं इनको। तो आओ देखते हैं अपन बेनिफिट्स को सेकंड सवाल के तौर पे क्या अंतर हुआ है हमारे पास में। तो ये है हमारा सेकंड पोर्शन 2.6.2.2.6 बेनिफिट्स ऑफ एन ईआरपी सिस्टम। सबसे पहला बेनिफिट आया है हमारे पास यहाँ पे, टोटल हम इसमें 12 बेनिफिट्स देखने जा रहे हैं। पहला बेनिफिट आया हमारे पास में इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन का। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है सारी इंफॉर्मेशन एक कॉमन जगह पे हमने ला के इकट्ठी कर दी। जैसे आपको मालूम हो ई कॉमर्स में सारी जानकारी एक जगह आ जाती है, कहीं से आप ऑर्डर प्लेस करो एक ही जगह सर्वर पे जाया करता है और वहां से सप्लायर्स को, शिपिंग एजेंट को, ट्रांसपोर्टर को, सबको बता दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ईआरपी सिस्टम जो कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेसिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं अपन, तो ये इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन करता है। तो अंडरलाइन करें जो खास चीज है इसमें, द रीजन ईआरपी सिस्टम आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड इज बिकॉज दे प्रोसेस द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली अपडेट द डेटा बिटवीन रिलेटेड बिजनेस फंक्शन एंड कंपोनेंट। जैसे वन नीड टू ओनली अपडेट द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर एट वन प्लेस इन द ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑल अदर कंपोनेंट विल ऑटोमेटिकली बी अपडेटेड। जैसे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन में सपोज करो मैं अपनी एड्रेस को बदल देता हूं कि मुझे माल अब यहां चाहिए, तो क्या मुझे हर जगह जाके बताना पड़ता है मेरा एड्रेस बदल गई है, या केवल मैं एक जगह जाके डेटाबेस में एड्रेस बदलता हूं और शिपिंग डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, डिलीवरी डिपार्टमेंट को पता चल जाता है मेरा एड्रेस बदल गई है। तो इसको नाम दिया हमने इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, पहला एडवांटेज। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। सबसे पहले तो समझ लो लीड टाइम किसको कहते हैं, द इलेप्स टाइम, टाइम का गुजरना बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग इज नोन एज लीड टाइम। मैंने आज ऑर्डर दिया और मुझे दो दिन बाद मिला तो मेरा लीड टाइम हो जाएगा दो दिन का, मेरे ऑर्डर देने और मुझे मिलने के बीच में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं लीड टाइम। तो ये क्या करता है, लीड टाइम को रिड्यूस करता है। ईआरपी सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ देयर इंटीग्रेटेड नेचर विद मेनी मॉड्यूल, जैसे फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग 12 मॉड्यूल पढ़े थे अपन ने ईआरपी के टोटल, एक साइकिल पे मैंने बताया था आपको इसको, तो बहुत सारे मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करता है और कई टेक्निक यूज करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिससे हम अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कम समय में इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है इसलिए इसका टाइम कम लग जाता है। चलिए तीसरे की तरफ पढ़ते हैं अपन, एडवांटेज हमारा ऑन टाइम शिपमेंट, क्योंकि सारी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सबको जानकारी मिल जाती है तो हम काम को तेजी से कर सकते हैं, तो शिपमेंट में भी टाइम कम लगता है। देखें इसका क्या यहाँ कहा गया है, सिंस द डिफरेंट फंक्शन इन्वॉल्व इन टाइमली डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स टू द कस्टमर, परचेजिंग है, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, प्लांट मेंटेनेंस है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, तो इन सबको जानकारी टाइमली मिल जाती है तो हर एक व्यक्ति गियर अप हो जाता है और पहले से उस काम को अंजाम देने लग जाता है, तो हम टाइम पर डिलीवर कर पाते हैं। दीज आर इंटीग्रेटेड इन आर When the procedures are automated, the chances of error are minimal and the production efficiency is very high. ये सब integration का benefit हमें मिलता है। Number four, reduction in cycle time. Cycle time का मतलब क्या होता है? जैसे lead time की definition थी, वैसे cycle time की definition है। Cycle time is the time between placement of an order and delivery of the product. समय कितना लगता है? आपके ऑर्डर प्लेस करके आपको डिलीवरी देने में, मतलब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, फिर माल बनता है या बना बनाया हुआ होता है, उसे शिप किया जाता है, मुझे दिया जाता है, इतना जो समय लगता है उसको अपने नाम क्या दिया है, साइकिल टाइम। एंड ईआरपी सिस्टम ऑल डेटा अपडेटेड टू मिनट बाय मिनट स्टेटस एंड इट इज अवेलेबल टू सेंट्रलाइज डेटाबेस। सारी चीजें एक सेंट्रल डेटाबेस में आती है, आपको ध्यान हो तो चित्र भी था हमारा, आगे भी देखेंगे उसको। एंड ऑल द प्रोसीजर्स आर ऑटोमेटेड, ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज आर डन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, आदमी का तो कोई रोल ही नहीं है,
एक जगह से जहां भी एंट्री होगी अपने आप से पहले जानकारी पहुंच जाती है, तो इस वजह से गलतियां भी कम होती है और साइकिल टाइम भी रिड्यूस होता है। नंबर 5, इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मैन पावर, मशीन, मटीरियल, मनी सब सेंट्रल डेटा बैंक में स्टोर्ड होते हैं, तो उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इसकी मदद से आसानी से किया जा सकता है। द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूल्स इन द ईआरपी सिस्टम लाइक मैन्युफैक्चरिंग, मटीरियल मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर दैट इन्वेंटरीज कैप टू द मिनिमम लेवल, न ज्यादा चाहिए न कम होनी चाहिए। द मशीन डाउन टाइम इज ऑल्सो मिनिमम एंड गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली एज पर द डिमांड एंड द फिनिश गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर इन मोस्ट एफिशियंट मैनर, और इससे क्या हो जाता है हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर हो जाया करता है। नंबर 6, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की जानकारी, कस्टमर क्या चाहता है अगर प्रोएक्टिवली हमें पता है और हमें जानकारी ईआरपी सिस्टम से मिलती रहती है, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीन्स मीटिंग और एक्सीडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ वेब इनेबल्ड ईआरपी सिस्टम। कस्टमर कैन प्लेस द ऑर्डर, ट्रैक द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर एंड मेक द पेमेंट सिटिंग एट होम। कस्टमर क्या चाहता है, सारी चीजें घर बैठे मिल जाए, और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में मुझे बताओ अगर ये ई कॉमर्स कंपनियां नहीं आई होती, ऑनलाइन तरीके से हम आपको पढ़ा नहीं रहे होते, तो क्या आज इतना जल्दी से सारा स्मूथ टेक ओवर चेंज ओवर हो जाता, क्या नहीं हो पाता। और मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ, मुझे लग भी रहा है ये लॉकडाउन शायद आगे परसिस्ट करेगा। आज 9 बजे लाइव में जब जाऊंगा तो उसके बारे में बात भी करूंगा मैं आप सब लोगों से। तो आप मान के चले कि आने वाला समय जिस तरीके से हम पहले रहा करते थे वैसा रहने वाला नहीं है, ऐसा सिम्टम हमें दिख भी रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला है और डिफरेंट स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं, लगातार हमें इस बात की जानकारी मिल रही है। और पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो मैं जो टॉप 3-4 स्टेट है जो कोरोना से इस समय सबसे ज्यादा संक्रमित है, अगर बात करूँ महाराष्ट्र की, बात करूँ आपको दिल्ली की, मैं बात करूँ राजस्थान की, और मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो आप पाएंगे इन चारों स्टेट्स ने ऑलमोस्ट लॉकडाउन को फेजेस में खोलने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए कह दिया है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य क्या है, आने वाले समय में इस ऑनलाइन के काम को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमारे को घर पे रह के ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी हमें। और ये कब हो सकता है, जब हमारा कस्टमर भी मतलब हमारा स्टूडेंट भी वो घर रह के ही सारी चीजें चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में वो कुछ और कर नहीं सकता। तो बिना समय गवाए हुए मेरा आप सबको कहना है, अगर आप पर नवंबर 20 का भी एग्जाम है, क्योंकि मई 20 वाले तो अपनी तैयारी ऑलमोस्ट सब कर चुके हैं जून के हिसाब से, अब तो उनका रिवीजन चल रहा होगा, अगर कुछ बच भी गया होगा तो खत्म कर लेंगे वो इस अप्रैल के महीने में, मई और जून 19 तक जाते जाते उनका केवल रिवीजन ही बाकी रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1 तारीख के बाद मैं बहुत जल्दी इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में करूंगा, मैं आपको बहुत तरीके से हेल्प करने जा रहा हूं, और एक ऐप भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं जिसमें बहुत सारी सुविधाएं मैं आपको दूंगा, जिसमें कई चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और कई चीजों में मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी। तो बहुत जल्दी आपको एक नई चीज मैं समर्पित करने वाला हूं, खास तौर से सीए फ्रेटर्निटी को। पिछले 31 साल और 62 सीए अटेम्प्ट के एग्जाम के बाद मुझे मालूम है मेरा स्टूडेंट मुझसे क्या चाहता है, तो मैं वो सब देने की कोशिश आने वाले समय में, मतलब आज 28 तारीख है, 2 या 3 दिन की बात रह गई है, मैं बस उसके बीटा वर्जन के टेस्टिंग में ही लगा हुआ हूँ, तो शायद 1 तारीख से हम उसको शुरू कर देंगे और मैं बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी अगले वीडियोज में कर दूंगा। Since all the details of the product and the customer are available to the person at the technical support department, also the company will be able to support the customer better. So, customer हमारा क्या चाहता है, वो भी हम ERP system से better समझ पाते हैं, तो उसे अच्छे से serve कर पाते हैं। Number 7, improved supplier performance. मेरा supplier कौन है, मुझे कितना माल देता है, मुझे कितनी दूर है, उसकी quantity quality कैसी होती है, इसकी जानकारी भी ERP में रहती है, तो मुझे उन supplier को अच्छे से manage करने में भी मदद मिल सकती है। ERP system provide vendor management and procurement support tools designed to coordinate all aspects of the procurement process. They support the organization in its effort to effectively negotiate, monitor, and control procurement costs and schedule while ensuring that superior product quality. The supplier management and control process are comprised of features that will help the organization in managing the supplier relationship, monitoring the vendor activity and managing the supplier quality. The quality, quantity क्या देते हैं, अगर मेरे पास उसकी जानकारी पहले से डेटाबेस में होगी तो मेरे को पता होगा मुझे कब नेगोशिएशन और मॉनिटरिंग किस तरीके से करनी है। नंबर 8, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ईआरपी सिस्टम सारी चीजों को एक जगह उपलब्ध करा देता है, तो मेरे लिए उन सब पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना भी आसान हो जाता है, जिससे मुझे काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ERP system helps the company to remain flexible by making the company information available across the departmental barriers and automating most of the processes and procedures, that enabling the company to react quickly to the changing market condition. इस कोरोना की सिचुएशन में आपको मालूम होगा ये जो नया आरोग्य सेतु ये बनाया गया है, ये भी क्या कर रहा है, जितने भी कोरोना से संक्रमित पेशेंट है उन सबकी जानकारी सेंट्रल डेटा बैंक में दे रहा है,
अब सपोज करो आज मैं संक्रमण में नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी जानकारी दे दी कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और मेरी जियो लोकेशन वो ट्रेस कर रहे हैं। मैं सुबह जाता हूँ, दूध लेके आया करता हूँ, सब्जी लेके आया करता हूँ, सपोज करो कुछ दिन बाद मैं संक्रमित हो जाता हूँ, तो इमीडिएटली आरोग्य सेतु ऐप से ही मेरी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो जाएगी और मैं किन किन लोगों से मिला हूँ उन सब की जानकारी भी डिपार्टमेंट को हो जाएगी। तो मुझे तो क्वारंटाइन करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ उन लोगों की भी ट्रेसिंग करके उनको भी क्वारंटाइन कर देंगे। तो बताओ ये एक अच्छा तरीका है या नहीं है, फ्लेक्सिबल तरीका है या नहीं है। तो हम उसी की बात करें ईआरपी सिस्टम में भी, ठीक है ना। तो मैं ईआरपी को जोड़ रहा हूँ आज की सिचुएशन में, जैसे मैंने हमेशा कहा है, एग्जाम्पल हमेशा करंट दिया करता हूँ, ठीक है ना। हो सकता है अगली क्लास में जब आप मुझसे पढ़े या मेरा वीडियो देखे, तब शायद पोस्ट कोरोना में कोई क्लासेस ले रहा हूँ तो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से आप एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो हमारे एग्जाम्पल हमेशा बदलते रहते हैं, एग्जाम्पल कभी सेफ नहीं रहा करते, सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम्पल पाएंगे आप। नेक्स्ट है 9, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी इज डिफाइंड इन मेनी डिफरेंट वे, एक्सलेंट है, कंफॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन जैसे चाहते थे वैसी है, फिटनेस फॉर यूज है, वैल्यू फॉर द प्राइस है, जितना हम पैसा पे कर रहे हैं उतनी हमें चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसको हम क्वालिटी से नापा करते हैं। ईआरपी सिस्टम सेंट्रल डेटाबेस इलिमिनेट द रिडंडेंट स्पेसिफिकेशन, एक ही स्पेसिफिकेशन रहती है जिसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बनाना है, सप्लायर को मालूम है इस तरीके से रॉ मटेरियल को इस क्वालिटी में हमें देना है, तो कहीं भी कोई डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट नहीं रहते। एंड इंश्योर दैट अ सिंगल चेंज टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टेक इफेक्ट इमीडिएटली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। द ईआरपी सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड टूल फॉर इंप्लीमेंटिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, टीक्यूएम जिसको हम कहते हैं। नंबर 10, बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी। सारी चीजों की जानकारी एक जगह आ जाएगी तो बताओ हम अच्छे से उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज ये कोविड का डेटा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास सेंट्रलाइज जा रहा है तो वो स्टेट में कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, मोर्टेलिटी रेट क्या रह रही है, नए संक्रमण की रफ्तार क्या है, डबलिंग होने की रफ्तार क्या है, बताओ ये सारा कुछ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट रोज आके अपनी वीसी किया करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और पूरे देश को हाल बताते हैं क्या हो रहा है। कि अगर एक जगह डेटा नहीं आ रहा होता आज इस इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस सिस्टम में, ये भी एक तरीके का ईआरपी मेडिकल सिस्टम का, तो बताओ क्या ये हमारे लिए संभव था क्या सब कुछ कर पाना। वैसे ही अलग अलग जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं अमेजन को, फ्लिपकार्ट को, तो वो भी इस तरीके से चीजों को इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, एनालाइज और प्लानिंग कर सकते हैं। अनदर एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द ईआरपी सिस्टम इज टू बूस्ट ऑफ द प्लानिंग फंक्शन बाय इनेबलिंग द कॉम्प्रहेंसिव मतलब कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट एंड यूनिफाइड मैनेजमेंट ऑफ रिलेटेड बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड द डेटा, इट बिकम पॉसिबल टू यूटिलाइज fully many types of decision support system and simultaneous function, what if type of analysis enabling the decision maker to make a better informed decision। तो इनको बहुत अच्छा एनालिसिस करने का मौका इससे मिल जाता है। नंबर 11, 11 क्या है, इंप्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग। जब सारी चीजें एक जगह हो जाती है, डुप्लीकेसी नहीं रहती है, तो आपको हमने बताया था नॉन रिडंडेंट डेटा के कारण आपकी एक्यूरेसी बेटर हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाया करती है। द थ्री फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फॉर्मेशन आर एक्यूरेट, रेलेवेंसी एंड टाइमलाइन। तीन चीजों पर ध्यान देना होता है इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहला वो एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग गलत नहीं हो, रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी इमीडिएट काम की होनी चाहिए और टाइम पे भी मिलनी चाहिए, वरना बेकार है वो, सिंपल डेटा है। द इन्फॉर्मेशन नीड टू बी एक्यूरेट, रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकर एंड अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर व्हेन इट रिक्वायर्ड। ये तीनों चीजें हम इसमें पूरी करते हैं क्योंकि सेंट्रल डेटा बेस पे ईआरपी में सारी चीजें एक जगह में मिलती है। लास्ट 12th वन है द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ईआरपी के जो वेंडर होते हैं अपने यहाँ पे चीजों को लगातार अपडेट रखते हैं, उससे हमें हर चीज कैसी मिलती है, लेटेस्ट अपडेटेड मिलती है। ईआरपी पैकेजेस आर अडॉप्टेड टू यूटिलाइज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज ओपन सिस्टम, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रिड एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है इसमें उपलब्ध होती है। सो इट इज द अडॉप्शन ऑफ ईआरपी पैकेजेस टू द लेटेस्ट चेंजेस इन आईटी दैट मेक द फ्लेक्सिबल अडॉप्शन टू द चेंजेस इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट व्हिच मेक्स इट पॉसिबल। तो ये 12वां एडवांटेज हो गया हमारा यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ईआरपी पैकेज को अपने हिसाब से बेटर बना सकते हैं। तो कितने पॉइंट पढ़ लिए भाई अपन ने, टोटल 12 पॉइंट्स को देखा हमने यहाँ पे। कौन से 12 पॉइंट देख लिए पेपर ने सेकंड में, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम कौन कौन से थे, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, रिडक्शन ऑफ लीड टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट, रिडक्शन इन साइकिल टाइम, इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंप्रूव सप्लायर परफॉर्मेंस, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी, इंप्रूव इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड लेट यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मैंने पढ़ाते हुए भी आपको क्या कहा था, हेडिंग्स को याद रखना, अंदर तो एक एग्जाम्पल से अपन ने समझा दिया वो अपन लिख पाएंगे। आपको ये 12 की 12 हेडिंग याद होनी चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बड़े वे में इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए हो सकता है कुछ इससे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट तो मैं बताऊंगा ये आपको, तो आपको इस बारे में ये सब चीजों का ध्यान रखना है।
बात कुछ आ रही है क्या सबको समझ में कि नहीं आ रही है भाई? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है 2.3.2 ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, इट्स रिस्क एंड रिलेटेड कंट्रोल्स। आपको ध्यान हो तो हमने एक पोर्शन डिलीट कराया था आपने, जो ओरिजिनल नोट्स ये थे आपको। देखो जरा पेज नंबर 15 पे ये पोर्शन हमने डिलीट कराया था, हमने कहा था यहाँ अमेंडमेंट है। देखे भाई सभी लोग इसको, यहाँ पे दिख रहा है सबको कौन सा ये पेज नंबर 15। रिस्क इन ईआरपी एनवायरनमेंट, दो चीजें डिलीट कराई थी, फिजिकल सेफ्टी ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी ऑफ डेटा। और हमने लिखा था यहाँ अमेंडमेंट आया है 2.3.2 जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके नीचे एक टेबल भी थी रिस्क एंड कंट्रोल एसोसिएटेड, जो डेटा सेफ्टी, डेटा एक्सेस और उसको लेके था, वहां पे भी एक नई टेबल आ गई है। रादर 5 टेबल्स आ गई है, तो इन सबको अपन देखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर रोल बेस एक्सेस कंट्रोल आरबीएसी जो है ना, वहां से ये फिर से कंटिन्यू हो जाया करता है। तो अपन अब अमेंडमेंट देखने जा रहे हैं क्या आया है इस अमेंडमेंट में 2.3.2 में हमारे पास। चलिए देखते हैं अपन इसमें कहता है, ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंटेशन इज अ ह्यूज टास्क एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम मनी एंड अबव ऑल पेशेंस। हमने पढ़ाते हुए आपको कहा था कोई भी जो नया इंस्टॉलेशन होता है ना ईआरपी, तो अपने आप में बहुत बड़ा है, इट्स वेरी ह्यूज। लेकिन कोई भी और जो नया इंप्लीमेंटेशन होता है वो इतना आसान नहीं होता है ना। आज आपने देखा होगा राज्य सरकारों के कहने पे केंद्र सरकार ने शराब तो खोल दी, लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई क्या? आज तो ऐसे लोग टूट पड़े हैं जैसे जिंदगी भर मिली नहीं हो, है ना। तो आप देखें इससे तो हमने 40 दिनों में जो मेहनत की उसकी धज्जियां उड़ जाएगी सारी। तो दुनिया में कोई भी सिस्टम बनाना आसान नहीं होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना और भी मुश्किल काम हुआ करता है, ये कहना है। और ऐसा ही ईआरपी के साथ भी हुआ करता है। द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी ईआरपी और सेइंग इट इन टर्म्स ऑफ पे बैक ऑफ आरओआई ऑफ एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ईआरपी इज डिपेंडेंट ऑन इट सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन एंड वंस इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर यूसेज। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला तो आप प्रॉपर से इंप्लीमेंट कर लें और दूसरा उसका अच्छा सा रिटर्न लेने हैं। तो ईआरपी लागू करने में भी अपने आप में डिफिकल्ट है और फिर उसका यूसेज करना और मुश्किल है। यहाँ पे हम आप एक टेबल देखेंगे 2.3.1 जिसमें हम 5 अलग अलग बेसिकली टेबल्स देखने जा रहे हैं, ABCDE विच प्रोवाइड एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन डिफरेंट इश्यूज। वो 5 इश्यूज कौन से हैं? पीपल के अंदर इसको कंट्रोल देखेंगे, प्रोसेस में देखेंगे, टेक्नोलॉजी में देखेंगे, अदर इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यूज में। 5 चीजें देखने जा रहे हैं, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, अदर इंप्लीमेंटेशन और इंप्लीमेंटेशन इश्यूज को। चलिए एक एक को शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं अपन पीपल इशू को। पीपल का मतलब कौन? एम्प्लॉयज हो सकते हैं, मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, वेंडर हो सकते हैं। एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन टीम, कंसल्टेंट एंड वेंडर आर मोस्ट क्रूशियल फैक्टर दैट डिसाइड द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ईआरपी सिस्टम। अगर आपके लोग अच्छे हैं, अगर आपके लोग प्रॉपर ट्रेंड है, तो ये मान के चले आपकी सक्सेस रेशियो भी ज्यादा होगी, है ना। ये कोरोना की सिचुएशन में भारत का जो नर्सिंग स्टाफ है या भारत के जो डॉक्टर्स को अपने पेशेंट की टेक केयर करने की पिछले कई सालों से आदत रही है। हम बहुत सारे पेशेंट्स को एक साथ देखते हैं, उन्हें हैंडल करना जानते हैं। दुनिया के किसी देश में इस तरीके से नहीं होता और इसीलिए इस कोविड सिनारियो में हम दूसरों से बेटर साबित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे इतने न तो डॉक्टर मरीजों को देखने के आदि रहे हैं और न ही ऐसी पैनिक सिचुएशन उनके आई है। हमारे ऐसी सिचुएशन जब तक आती रहती है, इसलिए इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन नर्सिंग स्टाफ, इंडियन हेल्थ सिस्टम इन सब को लेके पहले से ही अपने एक्सपीरियंस के साथ काम करता रहा है। वही बात हम कह रहे हैं, पीपल आपके पास में जो होने चाहिए वो वेल एक्सपीरियंस होने चाहिए, चीजों की समझ वाले होने चाहिए। आओ देखते हैं इनके रिस्क और कंट्रोल एस्पेक्ट को। तो सबसे पहले देखें अपन चेंज मैनेजमेंट का एस्पेक्ट। क्या रिस्क है चेंज मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में हमारे सामने यहाँ पे? सबसे पहले रिस्क की बात करेंगे, फिर कंट्रोल की बात करेंगे। ये पोर्शन वहां डिलीट हो चुका है, नए तरीके से यहाँ जुड़ा है। पहला, changes will occur in the employee job profile in terms of some job becomes irrelevant and some jobs may be new created. तो किसी भी एक आदमी के बारे में बात करें, अगर उसका प्रमोशन होता है, डिमोशन होता है या उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, तो नेचुरली उसका जॉब प्रोफाइल चेंज होता है, ये रिस्क है। तो उसके साथ नया काम भी जुड़ता है। तो कंट्रोल क्या करें? प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द यूजर्स विद वेल डॉक्यूमेंटेड मैनुअल्स, प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑफ ईआरपी सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो जैसे ही व्यक्ति को हम दूसरे प्रोफाइल में भेजते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट भेजते हैं, उसको अच्छे तरीके से वेल डॉक्यूमेंटेड एक ट्रेनिंग मैनुअल दिया जाए, उसे काम करने का अच्छा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि उस नए सिचुएशन में अपने आप को अकस्टम्ड कर ले। दूसरा क्या है? द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन विल चेंज, द प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी विल इम्प्रूव। तो ये भी उसको सिखाना पड़ेगा कि कैसे नई पोजिशन में वो अपने आप को ढाल सके। कंट्रोल क्या कहता है? इट रिक्वायर इंश्योरिंग दैट प्रोजेक्ट चार्टर
और मिशन स्टेटमेंट एग्जिस्ट, उसे नई सिचुएशन में क्या रोल निभाना है इसका पहले से एक तरीका विकसित होना चाहिए। द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आर टू बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड साइंड बाय द यूजर एंड द सीनियर मैनेजमेंट। दिस रिक्वायर ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ चेंज कंट्रोल एंड होल्ड्स एवरीवन एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो हमें चेंज मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा, लोगों को उसकी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझानी पड़ेगी और कंट्रोल ये कहता है वो प्रॉपर तरीके से इसे इंटेक कर ले ताकि किसी तरीके की गुंजाइश नहीं रह जाए कोई लीव्स और पाउंड्स की। सेकंड आ जाता है ट्रेनिंग। रिस्क क्या है, सिंस द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग टेक प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईआरपी इंप्लीमेंटेशन साइकिल, मैनेजमेंट में कर्टेल द ट्रेनिंग ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट। ऐसा अक्सर होता है जब अपने वर्ज ऑफ फिनिशिंग किसी प्रोजेक्ट में होते हैं तो शायद हमारे पास इतना बजट बचता नहीं है और ट्रेनिंग हमेशा लास्ट में होती है, तो फिर हमें कट शॉर्ट करके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इस रिस्क को दूर करने का तरीका क्या है, प्रॉपर एक शेड्यूल करके बजट अलोकेट होना चाहिए इसको। ट्रेनिंग इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी एंड शैल बी इम्पार्टेड टू द यूजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन बाय स्किल्ड कंसल्टेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हार्डवेयर एंड पैकेज वेंडर। और इसके लिए एक अलग से बजट जो है ना आपको पहले से ही इसका अलग करके रख देना चाहिए कि आप जरूर करके रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, वरना आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ छोड़ के चला जाए तो क्या होगा, एक वेल ट्रेंड स्टाफ अगर आपके पास है छोड़ के चला जाता है तो दूसरे व्यक्ति को टेक ओवर करना उतना आसान नहीं होता है। दूसरा वो आपकी कुछ कॉम्पिटेंसी भी ले जाता है तो रिस्क भी है, तो इसका कंट्रोल भी हम देखेंगे। पहले रिस्क देखते हैं। एज द ओवरऑल सिस्टम इज इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड विद ईच अदर डिपार्टमेंट इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नए एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय टर्न ओवर क्वालिफाइड एंड स्किल पर्सनल लीविंग द कंपनी ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन एंड ट्रांजिशन फेज कैन इफेक्ट द शेड्यूल एंड रिजल्ट इन डिलेज। ऐसा हो सकता है और होता भी ऐसा, आप किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते, वो आपके यहाँ नहीं काम करना चाहता है या उसको दूसरी जगह अच्छा ऑफर मिलता है तो छोड़ के जाएगा, तो ये रिस्क है। कंट्रोल क्या कहता है, दिस कैन बी कंट्रोल्ड एंड मिनिमाइज बाय द एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय टू द टास्क मैचिंग देयर स्किल सेट। अगर उसको उसकी मर्जी का काम मिलता रहेगा तो नेचुरली अपने मर्जी के काम को छोड़ के कोई भी व्यक्ति जाता नहीं है। फिक्सिंग ऑफ कंपनसेशन पैकेज, अच्छा सैलरी पैकेज उसे मिलता रहेगा तो वो छोड़ के नहीं जाएगा, जो कि अबव पार होना चाहिए इंडस्ट्री के, मतलब मैं सबसे बेटर सैलरी देता हूँ, मैं सबसे बेटर पैकेज देता हूँ तो मुझे छोड़ के आप जाओगे ना, तो आपके पास एक तरीका होना चाहिए अबव पार सैलरी आप दे दो, कंपनसेशन दे दो, वो छोड़ के कभी नहीं जाएगा, जाएगा तो जाएगा का, सबसे बेस्ट देने वाले हम लोग हैं। एंड अदर बेनिफिट्स अकॉर्डिंगली दस कीपिंग द एम्प्लॉयज हैप्पी एंड कंटेंट एंड मिनिमाइजिंग द स्टाफ टर्नओवर, तो कंट्रोल का एक तरीका है। नेक्स्ट है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। ये तो हमने पहले भी कहा था आपको पढ़ाते हुए, कई बार भी कहा है हमने ये सेशन दोनों में, अगर टॉप मैनेजमेंट का होल हार्टेड सपोर्ट आपको नहीं मिलता है तो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को सहयोग नहीं हो, राज्य सरकारों का नीचे अथॉरिटीज को सहयोग नहीं हो, तो इस कोरोना सिचुएशन में पेंडेमिक में हम लोग काम ही नहीं कर सकते, सर्वाइव करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे, इसलिए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज वो देंगे, डायरेक्शन वो देंगे, प्रायोरिटी वो सेट करेंगे। रिस्क क्या है, ERP implementation will fail if the top management does not provide the support and grant the permission for the availability of human resource. So control kya kehta hai? The ERP implementation shall be started only after the top management fully convinced and assurance after they provide the full support. So aapko jab tak wholehearted support na dein aap shuru hi mat karo, warna aapka failure tay hai, shuru karne ke baad bhi wo fail ho jayega. Next baat karte hain consultant, kya risk hai aur kya control hai iska. Consultant kaun hote hain, experts hote hain. These are the experts in the implementation of ERP package and might not be familiar with the internal working of the organization culture. ये हमारे एक बहुत बड़ी problem है, हमारा जो consultant होता है वो technology का expert नहीं है और जो हमारा technology का expert है वो field का expert नहीं है, तो दोनों को एक दूसरे की बातें समझाने में हमें समय लगता है और कई बार में समझाने में हमारी कमी रह जाए तो शायद चीज वो बन के नहीं आती जिसकी हम अपेक्षा किया करते हैं। तो कंट्रोल क्या कहता है, द कंसल्टेंट शुड बी असाइंड ए लाइजनिंग ऑफिसर, बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए जो दोनों की बात को समझ के एक दूसरे को समझा सके, ए सीनियर मैनेजर हु कैन फैमिलराइज देम विद द कंपनी एंड इट्स वर्किंग। है ना, जैसे दो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले को बीच में अपन ट्रांसलेटर बिठाते हैं ना, मैं अगर सपोज हिंदी जानता हूँ अंग्रेजी नहीं जानता, कोई आदमी केवल अंग्रेजी जानता है तो मैं हिंदी में बोलूंगा वो नहीं समझ सकता, वो अंग्रेजी बोलेगा मैं नहीं समझता, तो बीच में ट्रांसलेटर बिठा देते हैं। वैसे ही टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट और कंसल्टेंट के बीच में हम एक लाइजनिंग ऑफिसर बिठाएंगे जो दोनों के बीच में एक मध्यस्थ का काम करेगा। तो ये तो थी पीपल की रिस्क और कंट्रोल, टोटल पांच है। अब बात करते हैं अपन प्रोसेस की रिस्क और कंट्रोल पर। प्रोसेस का मतलब जो इनपुट आउटपुट बदलता है। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ ईआरपी इंप्लीमेंटेशन इज टू इंप्रूव एंड स्ट्रीमलाइन एंड मेक बिजनेस प्रोसेस मोर एफिशिएंट प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट।
पीपीए का मेन पर्पज क्या है, टू इम्प्रूव, और इम्प्रूव भी कैसा, ड्रास्टिकली, है ना, इम्प्रूवमेंट रेडिकली आना चाहिए, तो प्रोसेस का बड़ा रोल होता है। लेकिन इस प्रोसेस को चेंज करते वक्त भी कई तरीके के रिस्क और कंट्रोल है, आइए देखते हैं उन रिस्क और कंट्रोल को, रिस्क एंड करस्पॉन्डिंग कंट्रोल देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट का अपन देखेंगे इसमें रिस्क एसोसिएटेड, और देखेंगे इसमें किस तरीके का कंट्रोल लगाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट का रिस्क, और फिर देखेंगे इसका कंट्रोल, रिस्क एसोसिएटेड, कंट्रोल रिक्वायर्ड। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन टूडे प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्टिविटी एंड ईआरपी इनेबल्ड फंक्शन लाइक मटीरियल प्रोक्योरमेंट एंड प्लानिंग। हम करना क्या चाहते हैं और हमें उपलब्ध क्या कराया जाता है, इसके बीच में गैप हो सकता है, इंफॉर्मेशन गैप हो सकता है, ये रिस्क है। तो कंट्रोल क्या कहता है, दिस रिक्वायर ब्रिजिंग द इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन ट्रेडिशनल ईआरपी बेस्ड फंक्शन एंड हाई वैल्यू ऑपरेशनल मैनेजमेंट फंक्शन। तो हम क्या करें, दोनों के बीच के इंफॉर्मेशन गैप को खत्म कर दें, अगर खत्म कर देंगे तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। अब एक छोटी सी बात बताऊं, आज की घटना है, वैसे तो टीवी पे कल से शुरू हो गई है ये, केंद्र सरकार ने कहा हम सारे के सारे मजदूरों को जहां जहां भी वो हैं उनके राज्यों तक पहुंचाएंगे, और उस पहुंचाने में स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, और उसका 85% जो ट्रेन का फेयर है वो हम लोग क्या करेंगे, केंद्र सरकार के लोग देंगे, और 15% हम चाहते हैं राज्य सरकार इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करे ताकि मजदूर से किराया नहीं लेना पड़े। लेकिन इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया स्टेट गवर्नमेंट्स और कई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि कई लोगों ने कह दिया मजदूरों से आपने पैसा लेना शुरू कर दिया, और कई लोगों ने ले भी लिया। बेसिकली था क्या, एक इंफॉर्मेशन गैप ही था ना, शायद राज्य सरकार केंद्र सरकार आपस में समझ नहीं पाई, या समझाने में नाकामयाब है, या कोई पॉलिटिकल एंगल था, तो ये इंफॉर्मेशन गैप रहता है। कई बार तो वो अनइंटेंशनली क्रिएट हो जाता है, और कई बार जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। हमें दोनों स्थितियों से बचना चाहिए ताकि बिल्कुल क्लियर कट तरीके से बता सके हमें क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि क्या करना और कैसे करना अगर नहीं समझाया जा सका तो प्रोग्राम में जो भी आप चेंजेस करेंगे वो डिजायर्ड रिजल्ट कभी नहीं देने वाला है, उल्टा उससे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस रीजनरिंग बीपीआर। हम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे, चैप्टर नंबर 8 में इसको, ये एक तरीके से आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस में रात दिन का अंतर है। मैं हमेशा ऐसा कहते आया हूँ, इस COVID-19 की सिचुएशन में लोग भले कुछ भी कह दे, मेरा ऐसा पूरा मानना है, और जो मेरा अनुभव कहता है जिंदगी का भी, मैं कहता भी हूँ आपको, मैं लाइफ कोच भी हूँ आपका, ये जो कोरोना के बाद की सिचुएशन है कोई आसान नहीं रहने वाली। ये सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये मास्क लगा के जीना, छोटी सी सोशल गैदरिंग करना, है ना, इसके बाद अब ये बड़े बड़े बिग फैट इंडियन मैरिजेज जो दिखाते ना 2-3-5,000 लोगों की, वो शायद अब भूतकाल की बातें होगी, मास्क हो गया, कोई नहीं कर पाएगा अभी, शायद आपको 40-50 लोगों से ज़्यादा परमिशन नहीं देंगे हम, 20 लोग किसी जो है डेथ में हम अलाउ करेंगे आने वाले समय में भी, आपको पता नहीं और किस टाइप की प्रॉब्लम्स आने वाले समय में आ सकती हैं। इन सब सिचुएशन को हमें समझना होगा, दीज विल बिकम द न्यू नॉर्मल। तो एक तरीके से देखें हमें नई तरीके से जिंदगी जीने के तरीके सीखने पड़ रहे हैं, और ये क्या है, एक तरीके से हमारी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन है, इसी को तो बीपीआर कहेंगे। तो ये लाइफ में बीपीआर आ गया, वैसे ही प्रोसेस में बीपीआर आएगा, और वो काम करने के तरीके को बदल देगा। लेकिन इस दौरान क्या रिस्क और कंट्रोल होती है, आओ उसको डिस्कस करते हैं। BPR means not just the change, radical change, है ना, fundamental change, but dramatical change and drastic improvement or dramatical improvement in everything. अब control क्या कहता है? This require overhauling of the organization structure, है ना, hierarchy में परिवर्तन कर दो, कौन क्या काम करेगा, management system में परिवर्तन कर दो, job description में परिवर्तन कर दो, performance measurement के तरीकों में परिवर्तन कर दो, skill development, training सब में परिवर्तन कर दो। ये control लाना पड़ेगा, तब जाके आप BPR में कामयाब हो पाए। पहले क्या पढ़ा अपन ने? टेक्नोलॉजिकल रिस्क एंड कंट्रोल की बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकल मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटिंग ईआरपी सिस्टम शुड बी कैप्ट अप्रेस्ट, मतलब नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जानकार रखना पड़ेगा। ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन विच इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दुनिया में जो कुछ नए परिवर्तन आ रहे हैं उन सब से अपने आप को आत्मसात करके रखना पड़ेगा, इसको अप्रेस्ट करना कहा जाता है। तो आओ देखते हैं इसके रिस्क और कंट्रोल क्या है। तो आओ देखते हैं रिस्क एंड कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिस्क। सबसे पहले आस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी का। आप सबको पता है हम कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या हार्डवेयर खरीदते हैं उसके नए नए वर्जन आते हैं। टैली के भी आप देखते हैं जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नए वर्जन आ गए, जीएसटी के जो सॉफ्टवेयर आपने खरीदते हैं उसके नए नए वर्जन आ गए, तो नए नए वर्जन लगातार आते रहते हैं। हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को उन नए सॉफ्टवेयर फंक्शंस के साथ अप्रेस करना पड़ेगा, फंक्शनलिटी जाननी पड़ेगी। जैसे मोबाइल आप सब यूज करते हैं, नया ओएस आता है,
नया हैंडसेट आता है तो आपको उनकी नई फंक्शनलिटी समझनी पड़ती है ना, तो रिस्क क्या है हम पूरा समझे नहीं तो उपयोग नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल ये कहता है कि आप उसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो देखें इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी में। ईआरपी सिस्टम ऑफर ए मेरिट्स ऑफ फीचर्स बहुत सारे एंड फंक्शन, हाउएवर नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर दोज मेनी फीचर, इंप्लीमेंटिंग ऑल द फंक्शनलिटी एंड फीचर इज जस्ट अ सेक, इट कैन बी डिस्ट्रेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें देखना पड़ेगा किस व्यक्ति को किस ऑर्गेनाइजेशन को कितने फंक्शनलिटी की जरूरत है, सबको सबकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कस्टम इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। आप में वैसे भी थोड़ा अगर टेक्निकली आप थोड़ा साउंड है तो आपको पता होगा विंडोज को जब अपन इंस्टॉल करते हैं ना तो तीन ऑप्शन आते हैं, एक आता है फुल सारे फीचर आए, एक होता है कस्टम जितने आप चाहोगे उतने आए, एक होता है मिनिमम जिसको डिफॉल्ट कहते हैं उसमें सबसे मिनिमम मिनिमम आते हैं। तो हम ऐसी सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी आपको देंगे इंस्टॉलेशन के बाद। कंट्रोल क्या कहता है, केयर शुड बी टेकन टू इनकॉर्पोरेट द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्टिंग एडिशनल फीचर एंड फंक्शनलिटी दैट मे बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। तो अभी मिनिमम डाल दो बाद में कुछ और चीजें डालते चले जाना, ये भी पॉसिबल हो सकता है सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी में। सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, ये बहुत बड़े रिस्क है आज के जमाने में, है ना। टेक्नोलॉजी कभी भी अपनी जगह ठहरी नहीं रहती, हमेशा उनमें परिवर्तन आता रहता है। आप देखें i3, i5, i7, फिर 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन हार्डवेयर आते रहे ना प्रोसेसर के तौर पे। सॉफ्टवेयर में भी आप देखें नए नए वर्जन आते रहे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलेंस की रिस्क को लेके। हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हमें तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा उसका, तो रिस्क है। विद द एडवेंट ऑफ मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एवरी डे द ईआरपी सिस्टम बिकम्स आल्सो ऑब्सोलीट एज द टाइम गो बाय, इसका कोई आप इलाज नहीं कर सकते। लेकिन कंट्रोल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, दिस रिक्वायर क्रिटिकल चॉइस ऑफ द टेक्नोलॉजी जो लंबी चले, जल्दी ऑब्सोलीट नहीं है। आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, ईज ऑफ एनहांसमेंट, ईज ऑफ अपग्रेडिंग, क्वालिटी ऑफ वेंडर सपोर्ट। जैसे अगर आपको लगता है आज i7 प्रोसेसर का जमाना है तो आपको i3 में लेना चाहिए, क्योंकि i3 अब धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगा, तो आपको i7 वो भी 10th जनरेशन लेना चाहिए ताकि कम से कम आने वाले साल दो साल तक वो ऑब्सोलीट ना हो। तो ये तरीका है कंट्रोल करने का। नेक्स्ट है एनहांसमेंट एंड अपग्रेड्स। जब तक आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में एनहांसमेंट और अपग्रेड आएंगे तो रिस्क क्या है, अपग्रेड्स आएंगे, ये रिस्क है। कंट्रोल क्या कहता है, जब भी आए इमीडिएटली उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि नई फंक्शनलिटी हमें मिलती चली जाए। ईआरपी सिस्टम आर नॉट अपग्रेडेड एंड कीप अप टू डेट, पैचेस जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के तौर पर पैचेस कहते हैं, एंड अपग्रेड्स आर नॉट इंस्टॉल्ड एंड टूल्स आर अंडर यूटिलाइज्ड। तो क्या होता है, नए नए वर्जन आते रहते हैं, हम उनको इंस्टॉल नहीं करते, तो फिर क्या होता है उनकी फंक्शनलिटी पुअर हो जाती है या वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊँ, मेरा मोबाइल अपने आप में एक पूरा कंप्यूटर, मेरे सारे ईमेल अकाउंट उसके अंदर काम करते हैं, मैंने उनको आपस में जोड़ भी रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है उसमें नए मेल आने रुक जाया करते हैं, तो मैं जाके देखता हूँ तो मालूम पड़ता है एक नया अपग्रेड आया हुआ था जिसे मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, इसलिए फर्दर मेल्स जो है उसमें आनी रुक गई है। मैं जैसे ही उसको अपग्रेड करता हूँ वापस से मेल्स आनी शुरू हो जाया करती है, तो रिस्क है ना मेरे साथ भी, अगर मैंने अपग्रेड नहीं किया, पैचेस नहीं इंक्लूड किए, तो मेरे साथ ही रिस्क है कि मैं अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। कंट्रोल ही कहता है केयर मस्ट बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द वेंडर एंड अपग्रेड सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी साइन टू मिनिमाइज द रिस्क। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे वेंडर से हमेशा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चाहिए, क्योंकि जब भी नए वर्जन आएंगे, नए अपग्रेड आएंगे, हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और ऐसा अपना एक एग्रीमेंट उनके साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपके जो प्रोग्राम होते हैं उनको मैनेज करने की बात हो रही है। दीज प्रोसेस फोकस ऑन सिलेक्शन ऑफ न्यू बिजनेस एप्लीकेशन, समय समय पर अपन कुछ नई चीजें भी तो डालते चले जाते हैं, एंड द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड बाय डिलीवरिंग दैट। जैसे मैं बात करूं, मैं बहुत जल्दी गूगल प्ले स्टोर पे बत्रा सर के नाम से एक ऐप लॉन्च करने जा रहा हूं, और उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मैं देने जा रहा हूं। मैं आपको फ्री टेस्ट कंडक्ट करने की सुविधा मिलेगी, आपके एग्जाम आपको पता ही आप आगे जा चुके हैं, 29 जुलाई से लेकर अगस्त में होंगे, और हमारा पेपर शायद 30 अगस्त को है ओल्ड न्यू दोनों का। तो मैं बच्चों की मदद के लिए क्या कर रहा हूं, एक नई चीज़ लेके आ रहा हूं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया वो हमारा। अब उस ऐप में क्या होगा, आपको कोर्स रिलेटेड मटेरियल मिलेंगे, मेरी तरफ से गाइडेंस मिलेगी, मोटिवेशनल बहुत सारे वीडियोज आएंगे, मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में भी जानकारी दूंगा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज कंडक्ट करूंगा, प्रैक्टिस मैनुअल्स आ जाएंगे आपके पास डिफरेंट टाइप के, उसमें तो बहुत सारी चीजें मैं आपको वहां पे देने जा रहा हूँ। बेसिकली है क्या, ये एप्लीकेशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल क्या है, बाय ब्रिंगिंग टू द लाइट द शीयर नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन द करंट पोर्टफोलियो IT ऑर्गेनाइजेशन कैन बिगिन टू रिड्यूस द डुप्लीकेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पुरानी जो चीजें आई हुई है आपको उनमें नई चीजें ऐड जरूर करनी है, पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बढ़ाना है, न डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को बढ़ाना है। आप उसमें नई चीजें ऐड कर दो, लेकिन पुरानी चीजों को बिना डिस्टर्ब किए, बिना उन्हें डुप्लीकेट किए, बिना उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाए। तो ये था तीसरा, तो पहला पीपल पढ़ लिया, दूसरा प्रोसेस पढ़ लिया, तीसरा टेक्नोलॉजी। आ जाओ चौथा, अदर इम्प्लीमेंटेशन इश्यू।
अब यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की रिस्क और कंट्रोल को डिस्कस करते हैं अदर इंप्लीमेंटेशन में। सबसे पहला है लेंथी इंप्लीमेंटेशन टाइम। पहले भी बताया है ईआरपी को लागू करना मिनिमम 1 साल से लेके और 5 साल का समय लिया करता है, मोटा समय नहीं होता है, लोग थकार जाते हैं इतने लंबे इंप्लीमेंटेशन में। आप अपने को और मेरे को, मैं अपनी बात भी करूं, लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया आज पहला दिन है उसका, है ना। आप देखें 40 दिनों में हमारी हालत क्या होगी, एक दिन बाहर निकलने का मौका मिला तो हमें भीड़ लगा दी मारते, है ना। आप सोच के देखें अगर लेंथी इंप्लीमेंटेशन होगा तो आदमी इंप्लीमेंट करने वाला भी थकेगा और जिसके लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसका भी मन उठ जाएगा इससे। तो ये अपने आप में एक रिस्क है जिसको अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। ERP रिस्क बात करते हैं। ईआरपी प्रोजेक्ट्स आर लेंथी एंड टेक्स एनीवेयर बिटवीन 1 to 4 years डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कंट्रोल क्या करें, केयर मस्ट बी टेकन टू कीप द मोमेंटम हाई एंड एंथुसियाज्म लाइव अगेंस्ट द एम्प्लॉई सो एज टू कीप द मिनिमम रिस्क। हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार आपका मोराल हाई रखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कहते हैं किसी प्रोजेक्ट पे या किसी चीज को जीतने के लिए अपने एम्प्लॉयज में लगातार मोराल हाई रखना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों को भी कहूँ, एग्जाम बार बार आगे जा रहे हैं, खासतौर से जो मई अटेम्प्ट के बच्चे थे, नवंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मई नवंबर बच्चों को पहले हमने कहा कि हम जून में लेंगे, अब हम कह रहे हैं आपको 29 जुलाई से लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट अगस्त ही यही है। तो बार बार आप में से भी कई लोगों का मोराल नीचे जाता होगा और इसी के लिए मैं वो वत्रासन नाम का ऐप लेके आ रहा हूँ ताकि आपके मोराल को अप करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहें। देखिए मोराल डाउन नहीं करना है, है ना। इन दोनों मैं भी थोड़ा सा अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए नेटफ्लिक्स पे और दूसरों पे चला जाता हूँ और टीवी के भी प्रोग्राम देख लेता हूँ। मैंने एक बात नोट की, ये जितने भी रियलिटी शोज आते हैं, चाहे वो डांस इंडिया के आते हों चाहे वो सिंगिंग के कॉन्टेस्ट हो, मेरा एक फर्म बिलीव है दुनिया में वही लोग जीत के आगे बढ़ा करते हैं जिनको अपने काम के प्रति जुनून होता है। एग्जाम बार बार आगे खसक रहा है तो ये आपका एक टेस्टिंग टाइम, ठीक है ना। इसमें आपको अपने आप को हाई मोराल में रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग एग्जाम तक अपने हाई मोराल को रख पाएंगे वही एग्जाम में क्लियर होने जा रहे हैं। बीच बीच में अगर आपने अपना मोरल डाउन किया है, आपने पढ़ने से अपने आप को हटाया है, दोबारा लौट के आना आप सबको भारी पड़ने वाला है। इसलिए इस समय आपको अपना मोरल हाई रखना पड़ेगा वरना आने वाले समय आप सबके लिए मुश्किल होने वाला है। पास तो केवल उतने ही होंगे जो इंस्टीट्यूट ने अपना पास परसेंटेज फिक्स कर रखा है, देने वाले तो वही 100 लोग होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट जो अपना 18% रिजल्ट रखता है पहले 18 लोग ही फिनिश लाइन को टच करते हैं, 19 लोगों को फिर अगले अटेम्प्ट में आना पड़ता है। और सोचो आप अगर अगला अटेम्प्ट है तो फिर उतने उतने स्टूडेंट आपके अगले अटेम्प्ट में और आपको मिल जाते हैं। तो कंपटीशन इज बीइंग टफ एंड टफर बाय डे, तो आपको अपना मोराल हाई रखना पड़ेगा, यही हम कह रहे हैं इसमें भी। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट फंडिंग। पैसे पूरा नहीं देता टॉप मैनेजमेंट या फंड की कमी पड़ जाती है, हम सोच कर चले तो उससे ज्यादा फंड खर्च हो जाया करता है। जैसे हमारे मारवाड़ी में कहता है काम शुरू कर लो, फिर वह है कम ठा, मतलब ठाई भी पड़ता है अपने को कितना चलेगा। अगर ऐसी स्थिति में क्या होगा, मकान अधूरा ही बना रह जाएगा आपका, वैसे ही हमारा इंप्लीमेंटेशन अधूरा रह जाएगा। तो रिस्क है इनसफिशिएंट फंडिंग। द बजट फॉर द ईआरपी इंप्लीमेंटेशन इज जनरली एलोकेटेड विदाउट कंसल्टिंग एक्सपर्ट एंड देन इंप्लीमेंटेशन इज सपोर्ट स्टॉप अलोंग द वे ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। ऐसा होने से भी ढांचा और इमारत अधूरी रह जाएगी हमारी। तो कंट्रोल क्या कहता है, इट इज नेसेसरी टू एलोकेट नेसेसरी फंड फॉर द ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट एंड देन एलोकेट सम मोर कंटिंजेंसी, मतलब आप 15 से 20% का फंड एक्स्ट्रा रखा करो, वजह से आपका काम नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट है डेटा सेफ्टी, बड़ा इशू है अभी तो। आरोग्य सेतु को लेके बहुत सारी बातें होने लग गई है, जब आप लोग कह रहे हैं इसके ऊपर नजर रखने लग जाएंगे, गवर्नमेंट इसके डेटा को ठीक नहीं रखेगी, तो अपने आप में एक इशू है ना। अगर हम आपका थोड़ा थोड़ी देर में डेटा लेते चले जाया करते हैं तो नेचुरली आपके ऊपर स्पाइंग भी की जा सकती है। तो लोग कहते हैं कि डेटा सेफ्टी की गारंटी सरकार ले, तो अपने आप में सेफ्टी, डेटा सेफ्टी अपने आप में बड़ा इशू है ये। तो देखिए रिस्क है, एज देयर इज ओनली वन सेट ऑफ डेटा, इफ दिस डेटा इज लॉस्ट होल बिजनेस में कम स्टैंड स्टिल, है ना। या हम दूसरे प्रकार की रिस्क की बात करते हैं, अगर डेटा एक ही है, आपने बैकअप भी लिया है और वो वहीं रखा हुआ है और वो लॉस हो जाता है किसी भी तरीके से, इंटेंशनल अनइंटेंशनल, आपका काम रुक जाएगा। तो कंट्रोल क्या कहता है, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए उसका, फिर उसको रेस्टोरेशन का तरीका होना चाहिए। बैकअप अरेंजमेंट्स नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑल्सो द स्ट्रिक्ट फिजिकल कंट्रोल इज नीडेड फॉर द डेटा ताकि उसका किसी की पहुंच नहीं हो और नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस पे काम हो रहा है। स्पीड ऑफ ऑपरेशन बहुत तेज होनी चाहिए, देखो धीमे धीमे कोई काम नहीं करना चाहता। और मैं तो बताऊं, मैंने अपने सामने दुनिया बदलती हुई देखी है। हम जब पढ़ा करते थे ना तो उस जमाने में पीसी पर्सनल कंप्यूटर चला करते थे और उसको बूट होने में 15-15 मिनट का टाइम लगा करता था। आजकल तो अगर 1 मिनट के अंदर कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल भी काम नहीं करता है ना तो हमें बड़ी झुंझलाहट हो जाया करती है। तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन तो बहुत चाहिए हमारे को, तो उसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे।
तो पहले रिस्क क्या है इस विंडो ऑपरेशन में, एज द डेटा इज मेंटेन सेंट्रली ग्रेजुअली द डेटा साइज बिकम्स मोर एंड मोर एंड इट में रिड्यूस द स्पीड ऑफ ऑपरेशन। ऐसा अपने मोबाइल पे भी आप पाते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा स्लो हो जाया करता है, फुल मेमोरी खाली करनी पड़ती है हमारे को, कुछ ऐप हटाने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तब जाकर वो ठीक होता है। तो ये दिक्कत हमारे साथ भी हो सकती है ईआरपी सिस्टम में। तो कंट्रोल कहता है दिस कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग द रिडंडेंट डुप्लीकेट डेटा यूजिंग द टेक्निक लाइक डेटा वेयरहाउसिंग, हम पढ़ चुके आ चुके हैं चैप्टर 3 में, एंड अपडेटिंग द हार्डवेयर ऑफ द कंटिन्यूअस बेसिस। नेक्स्ट आता है सिस्टम फेलियर, आपका हार्डवेयर फेल हो जाए, आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाए, काम तो रुकेगा आपका। एज एवरीबडी इज कनेक्टेड टू ए सिंगल सिस्टम एंड सेंट्रल डेटाबेस, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द सिस्टम द होल बिजनेस में बिकम स्टैंड स्टिल एंड मे गेट इफेक्टेड बैडली। रुकेगा, नेचुरल है। तो उसके लिए आपके पास में एडिशनल बैकअप हार्डवेयर होना चाहिए, बैकअप सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बैकअप डेटा होना चाहिए, बैकअप पीपल होना चाहिए, ताकि आपका काम ना रुके। ये कंट्रोल है हमारा। This can be controlled and minimized by having proper and updated backup of data as well as alternate hardware, internet arrangement in case of primary failure of the system. तो आप कहते हैं alternate arrangement होना चाहिए। ये था हमारा data failure को लेके बात। अब बात करते हैं other implementation last topic की, data access। Data access किसको होना चाहिए? Need to know and need to do basis पे जिसको जरूरत है, हर एक को error कह रहे ना तो कह रहे को नहीं होना चाहिए। तो risk कहती है कि data हर एक को मिल जाता है तो डेटा को हम रोक सकते हैं। नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे रिस्क क्या कहती है, डेटा इज स्टोर्ड सेंट्रली एंड ऑल द डिपार्टमेंट एक्सेस द सेंट्रल डेटा। सारा डेटा एक जगह और वहीं पे सब एक्सेस करते हैं तो कोई क्या कर सकता है, हैक भी कर सकता है। दिस क्रिएट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सेसिंग द नॉन रेलेवेंट डेटा, तो उसको नॉन रेलेवेंट डेटा भी एक्सेस करने का मौका मिल सकता है या वो हैक भी कर सकता है। कंट्रोल क्या कहता है, एक्सेस राइट नीड टू बी डिफाइंड वेरी केयरफुली एंड गिवन नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे ओनली। उसको अधिकार है उतना ही मिलना चाहिए, ज्यादा मिलेगा नहीं तो वो बिगाड़ कर लेगा। चार इशू डिस्कस कर दिया हमने, पीपल कर लिया अपन ने, उसके बाद सेकंड प्रोसेस कर दिया, तीसरा टेक्नोलॉजी कर दिया, चौथा अपन ने अदर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। आ जाओ अपन अब पांचवें इशू को डिस्कस करके इस टेबल को फिनिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इशू। मतलब इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद की प्रॉब्लम क्या। ईआरपी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिक्वायर ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट बाय द कंपनी मैनेजमेंट एंड यूजर ऑफ सिस्टम। केवल सिस्टम बनाना ही काफी नहीं होता है, सिस्टम को लंबे समय तक चलाने के लिए उसके बाद भी सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ अगर कोई एक हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करा के आ जाए तो आने के बाद भी हम क्या कहते हैं उसको, घर पे उसको केयर करनी पड़ेगी, है ना, खाने पीने का कंट्रोल करना पड़ेगा, वर्जिश करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको पता होगा कोविड के टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद जब हम ट्रीटमेंट दे देते हैं तो जब वापस नेगेटिव टेस्ट आता है तो हम क्या कहते हैं, 14 दिन के बाद 14 दिन तक आपको घर पे होम आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी। नहीं कहते क्या अपन, ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन की है। सिमिलरली हमारा सिस्टम बन गया ईआरपी का, तो अब हमारे को उसको लगातार चलाए रखने के लिए भी कुछ रिस्क और कंट्रोल से गुजरना पड़ता है। आओ उनकी बात करते हैं। सबसे पहला लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। तो रिस्क क्या कहती है, इवन आफ्टर द ईआरपी इंप्लीमेंटेशन देयर विल ऑलवेज बी न्यू मॉड्यूल्स वर्जन टू इंस्टॉल, न्यू पर्सन टू बी ट्रेन, न्यू टेक्नोलॉजी टू बी इम्पार्ट, रिफ्रेशर कोर्सेज टू बी कंडक्टेड एंड सो ऑन। लगातार आपको नई नई चीजें सीखेगी और ये लगातार सतत प्रोसेस, इसलिए हम कहते हैं लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहिए हमारे डेवलपर्स का, कंसल्टेंट का, जो हमें ये सुविधा दे रहे हैं। तो कंट्रोल क्या कहता है, दिस रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी बाय द मैनेजमेंट एंड यूजर्स ऑफ द सिस्टम। मैं अपनी बात करूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं हमारा कमिटमेंट आपके साथ लगातार है जब तक आप चार्टर्ड नहीं बन जाते। कौन सा आप टॉपिक पढ़ रहे हो अभी, सीए इंटर का, लेकिन हम तो कहते हैं फाइनल में भी आ जाओ तो आपको हमारा राय मशवरा मिलता रहेगा ना। अब फाइनल के ओल्ड कोर्स में तो हमारा सब्जेक्ट है इसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल और नेट, न्यू में हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से हफ्ते जुड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से हम तक पहुंचते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, हमारे इंस्टा पे हैं, हमारे जो है वो ट्विटर पे हैंडल पे है, या हमारे इंस्टाग्राम पे है, या हमारे लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे है, हमारा सपोर्ट आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा। क्योंकि एक बार जो हमसे जुड़ जाता है हम चाहते हैं उस बच्चे को सपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक और उसके बाद भी मिलता चला जाए। पूरे पीरियड टाइम मैं कहूँ करीब 31 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, सिंस 1989 में पढ़ा रहा हूँ, 31 साल और 62 सी एग्जाम अटेम्प्ट हो गए मुझे। अब तक करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चा मैंने पढ़ा दिया डिफरेंट मीडियम्स में, फेस टू फेस और ऑनलाइन, और करीब करीब 200 ऑल इंडिया रैंक से हमारे स्टूडेंट्स की, और करीब करीब 20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पढ़े हुए अब इस समय इंडियन अब्रॉड में काम कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा जो है कहना चाहिए मेरा कमिटमेंट है उन सब लोगों को कि किसी भी तरीके की आपको जिंदगी में कभी दिक्कत आया करती है, यू ऑलवेज फाइंड मी
इन योर साइड, हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध रहा करता हूँ। और मेरे पुराने स्टूडेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमेशा टेक्निकल फील्ड पे कभी वो प्रॉब्लम में आते हैं या उन्हें मेरी राय मशवरे की जरूरत पड़ती है तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ऐसा ही कमिटमेंट हम किससे चाहेंगे? हमारे ईआरपी कंसल्टेंट से चाहेंगे या जिसने हमारे यहाँ ईआरपी इंप्लीमेंट किया उससे चाहेंगे। ये पांच चीजें थी बड़े वे में इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया रिस्क कंट्रोल के तौर पे। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट 2.6.3। ये भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, नया तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा और एडिशनल कर दिया इंस्टीट्यूट ने, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बीपीएम था ना हमारा, आपको ध्यान हो तो 11 मॉड्यूल्स थे हमारे पास में, तो उनमें कुछ इंस्टीट्यूट ने जोड़ दिया। मैं आपको बताता हूँ किस किस में थोड़ा सा एडिशनल जोड़ा है, बी में, ई में, ई में, एच में, आई में और जे में, ये कुछ में और इंस्टीट्यूट ने ऐड किया। तो थोड़ा बता दूं कि आपको किसकी बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ ये जो इंस्टीट्यूट ने हमें कुछ और ऐड किए थे ना, पेज नंबर बात कर रहा हूं मैं 24। आपको ध्यान है ईआरपी के 11 मॉड्यूल्स मैंने आपको बताए थे, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट सिस्टम, सप्लाई चेन, सीआर, याद आ रहा है सबको? मैंने देखो आपको पढ़ाते हुए कहा था, ये देखो ये यहां हमने थोड़े से एडिशन किए, अमेंडमेंट तो क्या कहना चाहिए, थोड़े एडिशन में पढ़ना सारा वही है 11 मॉड्यूल्स को, आपको जितना मैंने क्लास में पढ़ा है। अब इंस्टीट्यूट ने कुछ कुछ जगह कुछ कुछ नई चीजें और जोड़ दी है, वो नई चीजें जोड़ी हटाई कुछ नहीं, नई चीजें जो जोड़ी है आओ मैं आपको पढ़ा देता हूँ। मॉड्यूल जिन जिन में जोड़ा गया वो है बी कंट्रोलिंग मॉड्यूल, ई जी एच आई जे। आओ देखो क्या क्या इंस्टीट्यूट ने जोड़ा है हमारे को अमेंडमेंट के तौर पर, आओ उनको अपन पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेना जा रहा हूं मैं कंट्रोल मॉड्यूल को, ठीक है ना, बाकी आप पढ़ चुके हैं, आपके लिए नया कुछ नहीं है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। बी कंट्रोलिंग मॉड्यूल में कुछ और नई चीजें जोड़ी है, आओ देखते हैं। ई फीचर ऑफ दिस मॉड्यूल पूरे पढ़ा चुके हैं, कुछ नई चीजें देंगे। कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग को थोड़ा एलाबोरेट करके बोला जा रहा है, क्या होता है कॉस्ट एलिमेंट, दो लाइनें याद रखनी, मैंने वैसे भी कहा था बड़ा ब्रीफ आता है, डिटेल में नहीं आएगा। दिस कंपोनेंट प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द कॉस्ट एंड रेवेन्यू दैट अकर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग का पर्पज क्या होता है, ये वो कंपोनेंट है हमारे कंट्रोलिंग मॉड्यूल का जहां कॉस्ट और रेवेन्यू को लेकर बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। बात आती है सबको समझ में, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेंट्स दैट कैन बी असाइंड आर कॉस्ट सेंटर, इंटरनल ऑडिटर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सब जो इतना याद रखना है। सेकेंड कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग किस पर्पज के लिए है, दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस। कॉस्ट सेंटर कैन बी क्रिएटेड फॉर सच फंक्शनल एरिया जैसे मार्केटिंग, परचेजिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड सपोर्ट, इनके लिए की जा सकती है। बात आ गई सबको समझ में, थर्ड बस इतना ही पढ़ना है आप, इतना याद रखना है, ज्यादा नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, वैसे तो मेरे ख्याल में सब चीजें आपको पता है लेकिन इंस्टीट्यूट ने चूंकि कुछ और ऐड कर दिया तो एक बार हमारी ड्यूटी बनती है इसको पढ़ लेने की। दिस एनालाइजेस द क्रॉस डिपार्टमेंटल बिजनेस प्रोसेसेस, दो डिपार्टमेंट तीन डिपार्टमेंट मिलकर काम किया करते हैं और उनसे कुछ कॉस्ट इनकर हो रही है। ध्यान करो मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते हुए रतन टाटा की मारुति नैनो को बनाने का, सॉरी टाटा नैनो बनाने का एक तरीका बताया था, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। तो इंजीनियर्स कहीं और से आ रहे हैं, डेवलपर्स कहीं और से आ रहे हैं, मटेरियल कोई और दे रहा है, तो नेचुरली कॉस्ट तो सबकी लग के ही कॉस्ट बनेगी ना, ओवरऑल कॉस्ट बनेगी हमारी प्रोडक्ट की, तो ये उसकी बात कर रहा है। एंड अलाउज फॉर अ प्रोसेस ओरिएंटेड एंड क्रॉस फंक्शनल व्यू ऑफ द कॉस्ट सेंटर। फोर्थ है इंटरनल ऑर्डर्स, इंटरनल ऑर्डर का क्या मतलब है, इंटरनल ऑर्डर प्रोवाइड ए मींस ऑफ ट्रैकिंग कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब, सर्विस और द टास्क। तो इतना ध्यान रखना है, इंटरनल ऑर्डर इस बात का ध्यान रखता है कि हमारी स्पेसिफिक जॉब को लेके, सर्विस को लेके या टास्क को लेके कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। फोर्थ आ जाओ अपने प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए। दिस कैलकुलेट द कॉस्ट दैट अकर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और प्रोविजन ऑफ ए सर्विस एंड अलाउ द मैनेजमेंट द एबिलिटी टू एनालाइज द प्रोडक्ट कॉस्ट। उस प्रोडक्ट पर कितनी कॉस्ट लग रही है उसको कंट्रोल करने का या उसके ऊपर नियंत्रण लाने का तरीका हमें बताता है। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, दिस अलाउ द मैनेजमेंट टू रिव्यू द इन्फॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू कंपनीज प्रॉफिट और कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बाई इंडिविजुअल मार्केट सेगमेंट। सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, केवल हेडिंग ही आप कर लोगे, वैसे आपने कर लिया है इसको सबको जब मैंने आपको मेनली पढ़ाया था मेन टॉपिक्स के तौर पे। यहाँ कुछ और चीजें दो एक लाइनें ऐड करके दिए तो एक रीडिंग मारने का बनता है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, वहां भी था
This evaluate the profit or loss of the individual independent area within the organization. तो एक independent area जिसके कारण से profit और loss होता है, ताकि हम पता लगा सकें कि भाई इसके वजह से क्या profit और क्या loss हुआ है, जान सकते हैं। तो ये कुछ चीजें और controlling module में जुड़ी गई हैं। Cost element accounting में कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, ये हिस्सा तो पहले था। फिर cost center accounting में जोड़ी गई हैं, activity based accounting में, internal order में, ठीक है, और product cost controlling में, और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में, प्रॉफिट सेंटर में, ठीक है। ये तो था बी मॉड्यूल कंट्रोलिंग वाला। अगले में जहाँ थोड़ा सा और ऐड किया गया वो है ई मॉड्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग, पीपी मॉड्यूल। जैसे मैंने आपको बताया था क्या जोड़ा है उसके अंदर, मास्टर डेटा। सबको पता है क्या होता है मास्टर डेटा, परमानेंट डेटा। दिस इंक्लूड मटीरियल मास्टर, वर्क सेंटर, रूटीन, बिल ऑफ मटीरियल, सारे परमानेंट डेटा और मास्टर डेटा ये मेंटेन होगा हमारे किस में। मेरे को लग रहा है ये एमसीक्यू के लिए हो सकता है, क्रिटिकल तो शायद ना पूछा जाए, लेकिन एमसीक्यू के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है एसओपी। एसओपी मतलब सेल्स एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग प्लानिंग। इट प्रोवाइड द एबिलिटी टू फोरकास्ट सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लान बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल करंट एंड फ्यूचर डेटा। जैसे मैं कोविड की सिचुएशन की बात करूं, तो पोस्ट कोविड किन किन चीजों की ज्यादा जरूरत रहने वाली है, जो सरकार की गाइडलाइंस आ रही है। और मेरे कुछ मित्र कह रहे हैं हम तो बिजनेस ही चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो जरा मुझे भी बताओ। तो वो कह रहे हैं साहब सैनिटाइजर बनाएंगे, मास्क बनाएंगे, पीपी किट बनाएंगे, वेंटिलेटर्स बनाएंगे, जिनके पास टेक्नोलॉजी है या जो ला सकते हैं कहीं से, इनके आने वाले समय में डिमांड रहने वाली है। तो आप समझ रहे हैं फ्यूचर को देखते हुए, पास्ट को देखते हुए और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए नया कुछ करना जो है वो किस में आता है, एसओपी में आता है। उसको हम कहते हैं सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग। आता है कुछ समझ में। नेक्स्ट है डीआरपी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग। अब इस नई सिचुएशन में, कोविड की नई सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूशन का भी तरीका लाना पड़ेगा ना। सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, कैसे बिना कोरोना को स्प्रेड किए हुए चीजों को पहुंचाना है, कब पहुंचाना है, कहां से पहुंचाना है, ये सब सिचुएशन है। नया तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग लेके आएंगे। अलाउज द कंपनी द एबिलिटी टू प्लान डिमांड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये बात कहूं, देयर इज ऑलवेज ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। हमेशा कह करता हूं अभिशाप में वरदान। आप में से कई लोग मुझे कहा करते थे सर वो अमेंडमेंट वाले नोट्स दे दो सर, उनमें इंपॉर्टेंट हमें बता दो, है ना। और मेरी तरफ से ये थोड़ा सा लेट आया, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन अब आप ये मानोगे इस कोविड की सिचुएशन में जितना लेट आया है, नई सिचुएशन में आपके लिए समझना भी आसान हो गया। और दूसरी बात, चूंकि अब ये जुलाई में चला गया है, तो आपके लिए रिसेंटली इसको पढ़ के करना, याद करने में आपके लिए आराम हो जाएगा। हालांकि मैं मानता हूं मेरी तरफ से कमी है कि मैं आपको लेट दे रहा हूं, लेकिन आप देखिए इस अभिशाप में भी आपको वरदान मिल रहा है। तो किसी भी चीज के लिए डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं आई एम अ फर्म बिलीवर इन गॉड, और मैं कहता हूं मुझे तो खुद अपने प्रभु के दर्शन हुआ करते हैं। और अगर आप भी फर्म बिलीवर हो अपने भगवान में, जिस किसी को भी आप मानते हो, किसी धर्म जाति से आप आते हो, अगर आप फर्म बिलीवर हो तो आपको भी रोज उसके दर्शन होंगे, आपके आसपास की एक्टिविटीज में आपको नजर आ जाएंगे। अपने उस एक परमात्मा पे जरूर बिलीव करें आप, सारी चीज आपके फेवर में होने जा रही है। डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम भले ही आगे चले गए हो, इसमें भी हमारी भलाई है। जिस दिन ये हमारे समझ में आ जाएगा, मान के चले एवरीथिंग इज डेस्टाइन, तो फिर इसका फायदा आपको जरूर मिला करता है। और हम हर चीज में निगेटिविटी ढूंढते हैं तो फिर आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। दुनिया में दोनों टाइप के लोग हैं, एक अपन पेसिमिस्टिक कहते हैं, एक अपन ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हमेशा हर चीज में बेटरमेंट ढूंढा करता हूँ और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता हूँ डे बाय डे। मैं रोज एक डायरी लिखा करता हूँ और रोज रात को लिखते हुए सोता हूँ मैंने कल से आज क्या अपने आप में इंप्रूवमेंट किया। एंड दिस वे इन 365 डेज इन अ ईयर आई गेट 365 डेज इंप्रूवमेंट इन माय सेल्फ। अपने आप को बेटर बना रहे ना अपन, आप भी ऐसा ही करें, हर चीज में बेटरमेंट आ पाएंगे। अगर दिन एग्जाम लेट हो रहे हैं तो अपने को और रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, अपने आप को और बेटर कर सकते हैं, एग्जाम पास होने की गुंजाइश को और बेटर बना सकते हैं। डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ और अपना मोराल हाई रखो आप। नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लानिंग। दिस इंक्लूड मटीरियल फोरकास्टिंग, डिमांड मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। कौन सी चीज कब कर लेनी चाहिए, पहले क्या बना रहे थे लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से क्या बना रहे हैं, प्लान चेंज कर दो अपना, ये सब हम कर सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट होता है एमआरपी। एमआरपी वैसे तो हम जानते हैं शब्द का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, लेकिन यहाँ वो नहीं है। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर वो क्या आता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग रिलाइज ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एलिमेंट विद द कैलकुलेशन पैरामीटर टू कैलकुलेट द नेट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द प्लानिंग रन। मतलब कितना मटीरियल होल्ड करके रखना पड़ेगा, कितना प्रोक्योर करके रखना पड़ेगा, कितना बफर में रखना पड़ेगा, ताकि कभी भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन शेड्यूलिंग लेट ना हो और लगातार हमारे प्रोडक्शन चलता रहे। नेक्स्ट होती है कैपेसिटी प्लानिंग। आपका प्लांट पूरा यूटिलाइज हो, अंडर यूटिलाइज नहीं रहे, ओवर यूटिलाइजेशन पे भी ना जाए, ऐसी स्थिति के लिए हम कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं।
This evaluate the capacity utilization based on the work center available capacity to show the capacity constraint. कहाँ कितना कर सकते हैं over a period of time. आदरणीय मोदी जी ने क्या किया, isolation ward बढ़वा दिए, रेल के कोचेज में डेवलप करा दिया कि अगर बहुत बुरी स्थिति भी आ गई तो हमारे पास इतने क्वारंटाइन बेड होने चाहिए, हमारे पास इतने वेंटिलेटर होने चाहिए, हमारे पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम उस बुरी स्थिति से भी निपटने के लिए तैयार हो जाए. क्या किया अपन ने, कैपेसिटी प्लानिंग को डेवलप किया. वैसे ही अगर ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं तो कौन सी फैक्ट्री से काम कराना है, बाहर किसको वर्क ऑर्डर देना है, ये सब कैपेसिटी प्लानिंग का हिस्सा हो. नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग. देखिए प्रोडक्ट जो बनाएंगे नेचुरली उसकी कॉस्टिंग की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी बनाने शुरू करते हैं देखते हैं कितने में बनता है, ऐसा नहीं हुआ करता है. हर चीज की पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है. तो प्रोडक्ट किस कॉस्ट में आएगा इसकी प्लानिंग करेंगे, वो इसमें भी आएगा. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑल द टाइम वैल्यूज एंड द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मटेरियल टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट कॉस्ट. समय पे माल आ जाए, समय प्रोडक्शन हो जाए तो कॉस्टिंग कंट्रोल हो जाएगी. डिले आएगा, प्रोडक्शन डिले होगा तो हो सकता है उसकी कॉस्टिंग कुछ बढ़ जाए हमारे लिए. ये सब चीजों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं. तो ये था सेकंड मॉड्यूल ई जो हमने पढ़ा कंट्रोलिंग के बाद. सेकंड कौन सा था, प्रोडक्शन प्लानिंग. अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट जी, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल. क्या इसमें और एडिशन जुड़ गया, देखो क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये तीन चार चीजें इसकी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, चार चीजें जुड़ी है इसके अंदर. तो देखें क्वालिटी प्लानिंग क्या कह रहा है. Quality planning is the process of planning the production activities to achieve the goal of meeting the customer requirement in time and within available resources. लोगों का दिल मांगे मोर, हमारे को अपनी क्वालिटी प्लानिंग भी इंप्रूव करनी पड़ेगी ताकि लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनकी अपेक्षाओं के अपन खड़े उतर सके. तो हमें अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा. तो सेकंड आता है क्वालिटी कंट्रोल. इट इज अ सिस्टम ऑफ इंश्योरिंग द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स स्पेशली बाय पीरियोडिक रैंडम By periodic random inspection of the product. हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको रेंडमली इंस्पेक्ट करें कि वाकई ये उसी क्वालिटी का बन रहा है जिसकी हमने प्लानिंग की है, तो हम कहेंगे हम क्वालिटी कंट्रोल को निभा पा रहे हैं. IT involves the checking and monitoring of the process and product with the intention of preventing non-conforming material from going out to the customer. कस्टमर तक घटिया चीज भी पहुंच जाए. अभी चाइना कर क्या रहा है, प्रोडक्शन जारी है उसका, कोविड फैला दिया पूरी दुनिया भर में, सबको सत्यानाश कर दिया और खुद की इकोनॉमी बनाए बैठा है. तो अब खराब किट भेज रहा है. अभी कुछ दिन सुनने को मिला था अपन अंडरवियर बनाया करते हैं उस टाइप के मटेरियल के मास्क जो है उसने पाकिस्तान को दे दिए. आप सोचो किसी का मित्र है क्या वो, पाकिस्तान उसको गुण गाया करता है, उसको क्या चीजें दे दी, चट्टी बनियान बनाने वाले जो है मटेरियल से बनाए मास्क दे दिए उसको. तो घटिया क्वालिटी हो गई एक तरीके से, मटेरियल अच्छा यूज कर सकते थे लेकिन उसका जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल था वो दे दिया. तो ऐसा ना हो जाए इसलिए हम ध्यान रखेंगे अपने क्वालिटी कंट्रोल का. नेक्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी एश्योरेंस कंसंट्रेट ऑन आइडेंटिफाइंग वेरियस प्रोसेसेस दैट इंटरेक्शन एंड सीक्वेंसेस डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच प्रोसेस आइडेंटिफाइंग द की रिजल्ट एरियाज एंड मेजर्स टू मेजर द रिजल्ट्स. हमें क्या करना है, लगातार क्वालिटी को मेजर करते रहना है ताकि एश्योरेंस मिल सके क्वालिटी में डेविएशन नहीं आ रहा है, और कहीं आ रहा है तो नियंत्रण उसको किया जा सके कंट्रोलिंग के तौर पे. इधर लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी को नापना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा फॉर अश्योरेंस. नेक्स्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट. ऐसा तो नहीं है एक बार जो अपने क्वालिटी दे दी उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते. बेस्ट क्वालिटी के लिए सर्च करना आदमी की एक जन्मजात आदत है. बेटर क्वालिटी क्वेस्ट नेवर एंड्स. हम चाहते हैं और मिले, और बढ़िया मिले, और बढ़िया मिले, ऐसा हम सब लोग चाहते हैं. क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे. क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होगा. आज जो मिल रहा है ना आने वाले समय में और बेटर चाहिए हमें. द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इकोनॉमी पॉलिटिकल सिचुएशन एम्बिशन सो ऑन. हम अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा. तो ये था जी पार्ट जिसमें अपने क्वालिटी को लेकर बात की. तो किस किस को देख लिया, बी में हमने देख लिया किसको, कंट्रोलिंग को. फिर हमने ई में देखा प्रोडक्शन प्लानिंग को. फिर हमने अब देखा है नेक्स्ट जी में क्वालिटी को. अब आ जाओ नेक्स्ट देखते करते एच में प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल को. बी ई जी और अब अपन एच पे आ गए. ये सब एडिशन है, पढ़े हुए आपने सब है, ठीक है ना. ब्रीफली इनको समझना है आपको. तो ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट मेंटेनेंस का, लगातार अगर आपका प्लांट काम कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वो लगातार और भी आगे काम करता रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना पड़ेगा. अभी मैं कुछ दिन पहले बाबा रामदेव का एक इंटरव्यू देख रहा था, किसी टीवी चैनल पे आ रहा था. क्योंकि अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है तो आप पूरे स्टाफ के साथ ऑफिस में काम नहीं कर सकते. और चूंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ गई है, हमारे को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनकी जरूरत पड़ने लगी है. च्यवनप्राश है या काढ़ा है या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गिलोय है या वगैरह वगैरह. बाबा रामदेव ने क्या किया, नया तरीका निकाला. उसने कहा अब हम तीन शिफ्टों में काम करेंगे 8-8 घंटे. तो स्टाफ किसी को निकाला नहीं,
दो शिफ्टों की बजाय आप तीन शिफ्टों में अरेंज कर दिया, तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी पूरा हो रहा है, किसी स्टाफ को भी नहीं निकाला, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेनेंस है, और साथ में क्या हो गया, जो जबरदस्त दबाव पड़ रहा था हमारे प्लांट के ऊपर वो भी अब कम पड़ेगा, तो मशीनों के खराब होने की संभावना भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या किया अपन ने, नया प्लांट मेंटेनेंस का तरीका निकाल लिया ना, कि उसको थोड़ा इलोंगेटेड कर दो, लंबा कर दो, और इसके साथ साथ कुछ नई मशीनरी स्टैंड पर मंगवा के रख लो, कुछ मैन पावर और मंगवा के रख लो, कुछ मटीरियल मंगवा के रख लो, पेन बेल्ट मंगवा के रख लो, मतलब ऐसी कई चीजें मंगा के रखो ताकि प्लांट आपका कभी रुके नहीं, लगातार काम करता है। यही बात अपन इसमें करेंगे। To achieve the minimum breakdown and to keep the plant in good working condition at the lowest possible cost, ये इसका main काम होता है plant maintenance का। To keep the machine and other facility in a condition that permit them to be used at optimum profit making capacity without making interruption or hindrance, काम में बाधा नहीं है। To ensure the availability of the machine, building and services required by other section of the factory for performance of their function at optimum return on the investment, ये काम भी plant maintenance का हुआ करता है। फिगर जो 2.6.8 हमने आपको बताया हुआ है उस डायग्राम में शोज द प्रोसेस इन प्लांट मेंटेनेंस, उसमें बताया हुआ है इक्विपमेंट मास्टर इज अ रिपोजिटरी, मतलब एक डेटाबेस है ऑफ द स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दैट वन नीड्स टू रिलेट टू स्पेसिफिक पीस ऑफ इक्विपमेंट। उस डायग्राम में बीच में हमारे को इक्विपमेंट मास्टर भी दिखाया जाता था जो बताता है कि सारे इक्विपमेंट का डेटा उसके अंदर मेंटेन है, कौन कौन सी मशीन हम इसमें यूज करते हैं। Equipment and plant maintenance provide a variety of report to be used to review and manage the information about the other equipment and maintenance. कौन कौन सी मशीनें खराब हुई, वो कैसे ठीक की गई, उनमें कौन सा पार्ट लगा, इसकी एक अलग रिपोर्ट मिला करती है हमें इक्विपमेंट प्लांट मेंटेनेंस रिपोर्ट में। प्लांट मेंटेनेंस रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू रिव्यू एंड मैनेज द इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, कब कब किस मशीन का हमें पहले से ही मेंटेनेंस कर लेना चाहिए ताकि वो ब्रेक डाउन में नहीं जाए, एंड सर्विस टाइप विद इन एनी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे इस कोविड पीरियड में मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी अपनी फोर व्हीलर को बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन मैं करता क्या हूँ, रोज 5 मिनट के लिए उसको इग्नाइट करके गाड़ी को चलने दिया करता हूँ ताकि अचानक मुझे कुछ दिनों बाद उसकी जरूरत पड़े तो मेरी गाड़ी डाउन नहीं होनी चाहिए, बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमें प्लांट में भी क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहना चाहिए ताकि समय रहते हम उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में डाल दें ताकि बाद में ब्रेक डाउन से हम बच सकें। डिफरेंट पीएम रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू रिव्यू द पीएम इन्फॉर्मेशन, जैसे स्टेटस ऑफ सर्विस टाइप ऑफ पीस ऑफ इक्विपमेंट, हर इक्विपमेंट को किस टाइप की सर्विस चाहिए उसकी एक रिपोर्ट आ जाए। मेंटेनेंस मैसेजेस समय समय पर इक्विपमेंट से मेंटेनेंस इंजीनियर को दे दिया जाए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ सेलेक्टेड सर्विस टाइप, ऑल इक्विपमेंट ट्रांजेक्शन जो हुए हैं उनके बारे में जानकारी, सब चीजें हमें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है आई, प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, इसमें भी थोड़े से ऐड की गई है चीजें। देखें क्या ऐड किया गया है, प्रोजेक्ट सिस्टम PS जिसको शॉर्ट में कहते हैं इज ए क्लोजली इंटीग्रेटेड विद अदर ERP मॉड्यूल जैसे लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल एक्सेट्रा। बिफोर ए प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड, नया कोई काम हम करना शुरू करते हैं तो एक प्रोजेक्ट सिस्टम के तहत किया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड दैट प्रोजेक्ट गोल इज क्लियरली डिफाइंड, हम ये कौन सा काम कितने दिन में कर लेंगे ये सब प्रोजेक्ट सिस्टम डिसाइड करेगा। द एक्टिविटीज टू बी स्ट्रक्चर्ड, जैसे नए PPE किट बनाने, नए वेंटिलेटर्स बनाने, नई टेस्टिंग किट बनानी है, तो बकायदे प्रोजेक्ट सिस्टम के तहत प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी, कॉस्ट निकाली जाएगी, टाइम शेड्यूल डिसाइड किया जाएगा, इक्विपमेंट डिसाइड किए जाएंगे, मैन पावर डिसाइड की जाएगी और फिर उसको ऑपरेशन में डाला जाएगा। द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज अ टास्क टू इंश्योर दैट दीस प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड विद इन बजट एंड टाइम एंड टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेज उनको मिल जाए समय पे, मटीरियल मिल जाए उनको समय पे, मैन पावर मिल जाए उनको समय पे ताकि इस प्रोजेक्ट को वो समय पे खत्म कर सके। ये हमारे प्रोजेक्ट सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट आ जाता है जे, सप्लाई चेन मॉड्यूल, डायग्राम तो वहां भी था आपके पास में, क्या कुछ और ऐड जुड़ गया है, एक लाइन है पढ़ देता हूँ। सप्लाई चेन इज ए नेटवर्क, डेफिनेशन आ रही है, ऑफ ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट या कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग देम एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज एसोसिएटेड वन ऑफ मोर द फैमिलीज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। तो आप देखते हैं रॉ मटेरियल आता है, वो सप्लायर के पास जाता है, फिर उससे मैन्युफैक्चर तक जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक, कस्टमर रिटेलर तक, कंज्यूमर तक। अब इस कोविड सिचुएशन में भी चीजें हमें ऐसी मिल रही है, बिफोर कोविड भी ऐसी मिला करती थी हमारे को, तो ये सप्लाई चेन की एक डेफिनेशन दी है इसने बेसिकली यहाँ पे। और क्या कह रहा है, इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम एनी प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी फर्स्ट रीचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर। दिख रहा है डायग्राम, रॉ मटेरियल जो होता है वो निकल के सप्लायर तक पहुंचता है, वहां से मैन्युफैक्चर तक आता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन तक आता है, वहां से कस्टमर तक आता है, वहां से कंज्यूमर के हाथ तक जाता है, उसी प्रोसेस को ये लैंग्वेज में लिख के बता रहा है, वो डायग्राम में एविडेंट है।
Their manufacturer sells the product to the distributor with some profit and margin. Distributor supplies those products to the retailer with his or her profit, and then finally customer receives the product from the retailer. This is called, ये पूरा जो chain कहलाता है, क्या कहलाता है? Supply chain management system कहलाता है, which implies that product reaches from the manufacturer to the customer through, ये कुछ थे जिनमें ये परिवर्तन आपके बिजनेस इंटेलिजेंस वाला पोर्शन आपके इसमें पेज नंबर 42 के लास्ट पे, पेज नंबर 42 के लास्ट पे जुड़ा है. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाया था ना मैंने आपको, उसमें जुड़ा है. अभी जो मैं पढ़ के आया हूँ, जैसे डायग्राम पढ़ा के आया मैं आपको, और प्रोजेक्ट सिस्टम मैंने बताया आपको, और यहाँ पे प्रोजेक्ट सिस्टम भी ऐड हुआ है, और इक्विपमेंट मास्टर की यहाँ पे बात की जा रही थी. यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विपमेंट मास्टर डेटाबेस की, यहाँ पे बात की, ठीक है. ये हम अभी बात करके हैं, अब हम चल रहे हैं पेज नंबर 42 पे. ये तो डिलीट हो गया, मैंने बता दिया था आपको इन्वेंटरी कंसेप्ट अब नहीं आएगा. चलिए पेज नंबर 42 पे चल रहे हैं अपन. पेज आ गया आपका पेज नंबर 39. चलिए 42 पे चलते हैं अपन. यहाँ अमेंडमेंट हुआ है क्वेश्चन 9 से पहले 8 के बाद. यहाँ आया है अमेंडमेंट रीजन ऑफ बीआई, मतलब पूरा बीआई आप पढ़ लो, मैंने पढ़वाया है आपको पूरा बीआई, ठीक है. उसके एंड में बीआई के कुछ और चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया. तो आओ देखो इंस्टीट्यूट ने क्या ऐड किया है, उसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, और फिर फिनिश हो जाता है चैप्टर 2, और मैं फिर इसके इंपॉर्टेंट बता देता हूँ. बिजनेस इंटेलिजेंस बता चुका हूँ मैं आपको, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, आओ रीजन उसके समझ लेते हैं अपन, ठीक है. क्या है रीजन बिजनेस इंटेलिजेंस. अब इस कोविड सिचुएशन की मैं बात करूँ, अगर बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या कह रही है, दुनिया भर से जो हमारे को डेटा मिल रहा है, वी आर फार फार बेटर देन. रोज ही आ रहा होगा, आप सब भी समझ रहे हैं, मैं तो व्हाट्सएप के ऊपर और डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर ज्ञान भरा पड़ा है, हम अमेरिका से बेटर हैं, इटली से बेटर हैं. तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या कह रही है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग अपना लिया, हमने लॉकडाउन को प्रोलॉन्ग कर दिया 3.0 लॉकडाउन में. आज अपन पहले दिन पे बैठे हैं, 41वां दिन हमारे लॉकडाउन का, बचे हुए ना, वरना 130 करोड़ का देश अगर अमेरिका की तरह नहीं मानता, इटली की तरह नहीं मानता, छुट्टियां मनाने निकल जाता, नहीं हमें कुछ नहीं होगा, सामान्य फ्लू है जैसा अमेरिका कह रहा था, तो आज हमारे लाखों लोग निपट गए. तो हमारी बिजनेस इंटेलिजेंस क्या कह रही है ना, कि हमारे को इसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, और मैं तो कहूँ ढील भी देनी चाहिए. जैसे शराब की दुकानों का आज हमने हाल देखा है, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इस पे और नए तरीके से सोचना चाहिए कि हमारे लिए शराब बेचना ज्यादा जरूरी है, और रेवेन्यू ज्यादा जरूरी है, कि लोगों की जान ज्यादा जरूरी है. अभी आप 10-15% बढ़ा दोगे और फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा आपके हाथ से, है ना. मेरा ऐसा फर्म बिलीव है कि इन सब चीजों को रोकना चाहिए. आप रेवेन्यू के दूसरे तरीके निकालो, वो यही तरीका आपके पास नहीं रह गया है कि आप इसको करो. सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई आज हमने जिस तरीके से देखा, समझदारी लोग भी नहीं निभा रहे, ना हमारी राज्य सरकार ना हमारी केंद्र सरकार निभा पा रही है. तो आप पिछले 40 दिन के काम को बेकार करने भी तुले हुए, ये बिजनेस इंटेलिजेंस कह रही है. तो यही हमें समझने के लिए आज बैठे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस की जरूरत क्या है एक नॉर्मल बिजनेस में. मैंने कोरोना का एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि वही सबको समझ में आ रहा है, उसके भी आप अपन बिजनेस को समझेंगे. तो अब बात करते हैं अपन रीजंस फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस. बीआई इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक वेल इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन एंड दस कैन बी द सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. मैं अपनी बात करूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, अब हमारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है ना, ये बदलने वाली, और मैं मानता हूँ बदल भी चुकी है. फेस टू फेस क्लास मुझे नहीं लगता नवंबर 20 से पहले हम लगा भी पाएंगे देश भर में, और अगर ऐसी स्थिति बनी भी आए तो सरकार की तरफ से इतना इम्पोजिशन होगा कि जैसे मैं बात करूं, हम अपने जोधपुर में 200 बच्चों की क्लास लगाया करते हैं, और ऐसी करीब करीब 10 क्लासेस हमारी चला करती हैं, तो करीब 2000 बच्चा हमारे पास होता है. तो क्या आपको लगता है वो 200 बच्चों की क्लास में हम 200 बैठा पाएंगे? सोशल डिस्टेंसिंग में सरकार कहती है कि 2 गज पे रखो, तो मुझे लगता है मैं 40 से 50 बच्चे मेरी क्लास में बैठा पाऊंगा? तो सोचो मेरा एफर्ट कितना बढ़ जाएगा. तो हम प्रमोट करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिनके पास में लैपटॉप है, जिनके पास डेस्कटॉप है, जिनके पास मोबाइल फोन है, वो घर बैठे ही पढ़ ले, हम उनको एडिशनल सुविधा दे देंगे. और जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है और वो आना ही चाहते हैं, तो वो हमारे फेस टू फेस क्लास में है. तो बताओ इंडस्ट्री बदली भी नहीं बदली. तो मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस कह रहा है अब सिनारियो चेंज होने वाला है. अब शहरों में जा जाके कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, और ये जो बड़े मेट्रो सिटीज हमारे दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, कोलकाता है, इन शहरों में अब बच्चा आके शायद नहीं पढ़ पाएगा, है ना. माँ बाप भी शायद नहीं भेजेंगे, डर लगा रहेगा, पता नहीं वहाँ बच्चा जाके किसी प्रॉब्लम में नहीं आ जाए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रही, उसको वहाँ देखभाल कौन करेगा. और अब चूंकि हम ऑनलाइन इतना पढ़ चुके इतने दिनों में,
मुझे ये लगता है अब घर बैठे कंफर्टेबिलिटी हर बच्चा कर पा रहा है और उसे ये काफी अफोर्डेबल रेट में मिल पा रही है, तो बचाओ बच्चा क्यों आगे फेस टू फेस क्लास में आपको पढ़ना चाहेगा, तो सिनेरियो बदलने वाले में बदलना पड़ा। और उसी को देखते हुए हम भी, मैं पर्सनली अपनी बात करूं, बत्रा सर क्लासेस आपको बहुत सारी हेल्प करने जा रहा है, बहुत जल्दी मैं आपको शायद आज या कल में अनाउंस कर दूंगा, गूगल स्टोर पे हमारा बत्रा सर के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप आ जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी चीजें मैं देने जा रहा हूँ। मैं भी बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज करता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था मैं केवल सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूँ, मेरी कंसल्टेंसी भी है, आई एम ए ऑटोमेशन बिजनेस कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग इट, लगातार मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ और पिछले कई दिनों में तो मैंने घर बैठे बैठे भी कई लोगों को अपने बिजनेस कंसल्टेंसी के ऊपर दी है, तो हम अपने लिए भी इसको लागू कर रहे हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू वेन वी कैन एक्स्ट्रापोलेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिकेटर इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्स्ट्रापोलेट मतलब आगे की स्थिति को भांप लेना। सरकार आपको बार बार नहीं कह रही है COVID-19 कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता तो आज 2 लाख लोग इन्फेक्टेड होते, ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होते, लेकिन ये संख्या 30-40 हजार तक ही रह गई है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है और आप घर पे रहे, हम देख रहे हैं कि हम 30-40 हजार ही हैं, लेकिन अगर ये बाहर रहे होते तो हमारी डबलिंग रेट और ज्यादा तेज होती और हम आज शायद 2-2.5 लाख लोग या उससे ज्यादा लोग संक्रमित होते, तो सोचो हमारे यहाँ डेथ की भी मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो जाती। तो ये सब क्या एक्स्ट्रापोलेट करके हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं एंड मेक द एक्यूरेट फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर ट्रेंड और इकोनॉमिक कंडीशन। मेरा सब मानना है, और चूंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट भी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इन दोनों कई लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर, कई लोगों से, मेरे जो मित्र लोग हैं, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है अब जो नॉन एसेंशियल चीजें रह गई, जैसे ब्रांडेड कपड़े, रेस्टोरेंट में जाना, या स्पोर्ट्स वियर लेना, या बड़े स्पोर्ट्स वेकेशन पे जाना, या बड़ी कैटरिंग इवेंट अरेंज करना, इन सब के बिजनेस को आने वाले समय में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अब हमारी बेसिक नीड को हम पूरा कर पाए ना आने वाले समय में इस कोविड सिचुएशन के बाद में, तो बहुत बड़ा एफर्ट रहेगा हम सबके लिए। देश की आर्थिक सिचुएशन और पूरी दुनिया की आर्थिक सिचुएशन खराब हो चुकी है और हम कैसे रिकवर करेंगे ये फ्यूचर की बात हो जाएगी। तो मेरा मानना है अब जो बिजनेस चलेंगे वो सारे एसेंशियल चलने वाले हैं, जैसे एजुकेशन जरूरत, जैसे रोज का किराना, ये जो खाने पीने की चीजें बेसिक है, रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही है, लैविश लाइफ स्टाइल की बात नहीं हो रही, उनको तो दिक्कत ही आने वाली है ना, बड़े बड़े LCD टीवी नहीं बिकेंगे है ना, बड़े फ्रिज नहीं बिकने वाले, इसेंशियल चीजें जितनी है वो सब बिकेगी। तो खाने पीने की चीजें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए, दाल जिसको FMCG प्रोडक्ट कहते हैं, उनका काम चल पड़ेगा, बेसिक एजुकेशन चल पड़ेगी, प्रोफेशनल एजुकेशन चल पड़ेगी, हमारे बेसिक नीड का जो आवश्यकता का कपड़ा है, ब्रांडेड नहीं, या घर में ऑलरेडी मेरे पास 10-20 जोड़ी पड़े हैं तो अलग मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी ब्याहों का बड़ा खर्चा होने वाला है, तो कैटरिंग की सर्विसेज चाहिए नहीं मुझे। तो देखो आप दुनिया का सिनेरियो ही बदलने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस इंटेलिजेंस कह रही है आपको नए फील्ड में आना चाहिए है ना, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आ जाओ फिर से अपन चैप्टर 4, 5, 6 की बात करते हैं, कौन कौन सी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। बाबा रामदेव इसको पढ़ने में माहिर है, हमारे इंडियन बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लेख आ रहे हैं, और मैं तो देख रहा हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कह दिया है अगले 2 सालों तक हम अपने 75% कर्मचारियों को घर बैठे ही वर्क फ्रॉम होम ही काम करने देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑफिस का खर्चा बच गया, लाइट का खर्चा बच गया, उनको वहाँ पे फैसिलिटी देनी थी उससे बच गया, तो बताओ ऑफिस का कितना खर्चा आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। तो बताओ जो प्रॉपर्टी रेंट आउट किया करते थे उनको अब लोग मिल पाएंगे क्या, बिजनेस ऑफिस खाली हो जाएंगे, रेंट कम हो जाएगा, रियल एस्टेट कैसी तैसी हो जाएगी, शेयर मार्केट कैसी तैसी हो जाएगी, सोने चांदी कैसी तैसी हो जाएगी, क्रूड ऑयल कैसी तैसी हो जाएगी, सब दिख रहा है हमारे को ये होते हुए। बिजनेस इंटेलिजेंस कह रही है हमारे, once business intelligence is gathered effectively and used proactively, we can make decisions that benefit our organization before the competition does. मेरा ऐसा मानना है technological innovation और ऐसे प्रोजेक्टों पे जो आप काम करेगा, ऐसी सर्विसेज पे जो आप काम करेगा, उन्हीं का काम चलने वाला है, बाकी का काम नहीं चलेगा। और ऐसी एक सर्विस शायद आने वाले एक वीडियो में रिवील करूंगा, मैं भी लॉन्च कर रहा हूँ ऐसी परिस्थिति को देखते हुए, ये मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब मेरा एक नया वेंचर है, कह लो एक नया बिजनेस है मेरा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव द बिजनेस इंटेलिजेंस BI इज टू इम्प्रूव द टाइमलाइनेस एंड द क्वालिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन बिजनेस इंटेलिजेंस रिवील्स टू अस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस मुझे पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है, हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट बताया नहीं, पर पता नहीं पढ़ते पढ़ते मेरी इनर सेंस कह रही है, सिक्स सेंस कह रही है इसका सवाल हो सकता है, तो आप लोग करके जाओ, या आपसे पूछा जा सकता है जब भी एग्जाम होगा, ये जुलाई में या नवंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, पहला The position of the firm in comparison to competitor. मैं अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे को BI बता देता है।
चेंजेस इन द कस्टमर बिहेवियर एंड स्पेंडिंग पैटर्न, कोविड के बाद पोस्ट कोविड सिचुएशन में कस्टमर का खरीदारी का पैटर्न किस दिशा में होगा, मैंने अभी बता दिया आपको, है ना। और ये सारी सिचुएशन दिख भी रही अपने को, बड़े बड़े न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, बड़े आर्टिकल भी आ रहे हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट भी इस बात को कह रहे हैं, तो ये भी आपको BI से पता चलता है। द केपेबिलिटी ऑफ द फर्म, हम क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, इसके बारे में BI हमें जानकारी देता है। मार्केट कंडीशन, फ्यूचर ट्रेंड, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, ये भी BI में देता है। सोशल, रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या रहने वाला है देश का, इसके बारे में भी हमें बहुत कुछ समझ कहती है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मैं कहने जा रहा हूँ बहुत कड़ी होने जा रही है, मतलब हिंदुस्तानी आदमी तो कंट्रोल में रहने का आदि नहीं देखा, अब उसको बहुत सारे कंट्रोल में जीने की आदत डालनी पड़ेगी, कहीं थूक नहीं पाओ, कोरोना जैसी चीजों का डर लगा रहेगा, सरकार ने जुर्माना लगाई दिया आपके पास, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क पहन के आपको काम करना पड़ेगा, बड़ी सोशल गैदरिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, दिखावों में खर्च नहीं करना पड़ेगा। बताओ कई तरीके की हमारी सोशल काम करने के तरीकों में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो इन दिनों देख रहा था, पिछले 40 दिनों में मैं भी घर पे रहा ना, तो मैंने महसूस किया मैक्सिमम लोग घर में घर के कपड़ों में पाए गए, और एक शर्ट डाल लो या घर के कपड़ों में ही रह लो, नीचे एक बॉक्सर पहन लो या नीचे एक बरमूडा पहन लो, उसमें आपने समय निकाल लिया, और मेरे ख्याल से कई लोगों को बड़ा कंफर्टेबल भी रहा। तो इतनी सारी चीजें तो वार्डरोब में अवेलेबल है, वो कब काम आएंगी, मेरे ख्याल से शायद सिचुएशन ही नहीं बने फिर ऐसी 2 साल तक एटलीस्ट। तो बताओ ये सोशल पैटर्न में, बिहेवियर में चेंज है ना, हमारे को घर पे रहने की ज्यादा आदत हो जाएगी, बाहर आउटिंग की आदत कम हो जाएगी, तो नेचुरली उस लाइफस्टाइल के कम होने के कारण कई चीजों पे खर्चा हमारा कम हो जाएगा, तो हमारे सोशल पैटर्न में चेंज हो जाएगा, हमारे एक्स्ट्रावेजेंट खर्चों में कमी आ जाएगी, ये सब चीजें BI हमें बता रही है। व्हाट द अदर फर्म्स इन द मार्केट आर डूइंग, दूसरे क्या कर रहे हैं, ये भी हमें पता चल रहा है। तो BI हमें फ्यूचर के बारे में तैयार करती है, कॉम्पिटिटर के सामने हम कहाँ खड़े हैं उसके बारे में जानकारी देती है, फ्यूचर ट्रेंड्स के इसके बारे में जानकारी देती है, और यही है ऑब्जेक्टिव ऑफ BI, इसके बारे में हमें रखना चाहिए। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो आपने पढ़ा, इसके बाद चैप्टर 3 है, उसको अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आओ मैं रिवर्स में आपको इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बता देता हूँ ब्रीफली। मुझे ध्यान आता जाता 5 बड़े बड़े टॉपिक थे इसमें जो हमने देखे, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसमें, ये BI वाला तो आप कर ही लेंगे, मुझे लग रहा है ये इम्पोर्टेंट है आपसे जुलाई में या नवंबर, जब भी आपके एग्जाम होते हैं पूछ लिया जाएगा। तो BI में आप ये कर लें, और खास तौर से कर लें ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, ये पोजीशन ऑफ द फर्म चेंजेस ये करके जाना, मुझे लग रहा है ये चैप्टर 2 में जो अमेंडमेंट आया उसमें इम्पोर्टेंट है, आपको करना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए और ऊपर चले, तो और ये आपको मालूम होगा हमारे परिवर्तन आए थे किसमें, आए थे ERP सिस्टम में, है ना, मुझे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, तो इसको एक सरसरी नज़र से आप पढ़ लेना, ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि इसको कोई सवाल बन सकता है। चलिए उससे ऊपर आ जाए, मतलब BI देख लिया अपन ने, ERP देख लिया, BI को मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन ERP में आने वाले चेंजेस को उतना इम्पोर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है MCQ टाइप से कुछ सवाल आ जाए, तो उसके लिए एक बार आपको रीडिंग की जरूरत है, आप MCQ कर लें। अब आ जाओ वो 5 प्रकार की जो टेबल्स बताई गई थी ना हमारे को, वो थी हमारी बेनिफिट्स ऑफ, नहीं वो थी हमारी ERP इम्प्लीमेंटेशन और रिस्क और कंट्रोल, पढ़े थे पर नहीं, 5 प्रकार के, तो एटलीस्ट इन 5 टेबल्स के नाम याद रख लेना आप, कौन कौन से थे भी हमारे, था हमारा पीपल इशू था हमारा, दूसरा प्रोसेस इशू था हमारा, फिर हमारा तीसरा था टेक्नोलॉजिकल, चौथा था अदर इम्प्लीमेंटेशन, और 5वां था हमारा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ध्यान रहेगा सबको, रिवर्स ले चलता हूँ एक बार आपको वापस बताने के लिए, तो एक था पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन 5वां वाला, फिर था अदर इम्प्लीमेंटेशन इशू 4था वाला, फिर तीसरा वाला था हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल, दूसरा था प्रोसेस, और पहला था हमारा यहाँ पे पीपल वाला। ठीक है, इनमें भी कुछ खास इम्पोर्टेंट बात नजर नहीं आती, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो लग रहा है ये बेनिफिट, ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, ये आपसे हो सकता है पूछ लिए जाए नवम्बर या फिर जुलाई, जब भी आपके एग्जाम हो रहे हैं में, तो बेनिफिट जरूर करके जाना, 12 प्रकार के बेनिफिट मैंने पढ़ाए थे, तो वो आपको कर लेने चाहिए, 2.2.6 बेनिफिट आपको कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट, ये भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है चैप्टर 2 में, इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपके एग्जाम होंगे जुलाई या फिर नवंबर 20 में, आपको ये करके जाना चाहिए, खासतौर से क्लाउड उसमें जुड़ा गया। तो चैप्टर 2 में मेरे हिसाब से 5 टॉपिक थे, एक था इंस्टॉल्ड और क्लाउड एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से करके जाना है। सेकेंड इसमें आपके आए थे बेनिफिट्स ऑफ एन ERP सिस्टम 12, वो इंपॉर्टेंट आपको करना चाहिए। तीसरा आया था आपके रिस्क और कंट्रोल,
ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन 5 उसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि अमेंडमेंट आया। चौथा जो था इसमें अमेंडमेंट के तौर पे आया था वो चीज़ थी हमारे ईआरपी मॉड्यूल्स में कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी BEGHIJ में, उसको भी मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता, आपको उसको भी एक रीड करना चाहिए। लेकिन पांचवी चीज़ जो जोड़ी गई है बिजनेस इंटेलिजेंस की, मुझे वो इंपॉर्टेंट लग रही है, आपको करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉल्ड और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन पहला, बेनिफिट्स ऑफ BPA दूसरा, और तीसरा आपको करना चाहिए BI। इन तीनों में से कोई एक सवाल एग्जाम में जरूर आने जा रहा है इंपॉर्टेंट में, तो इंपॉर्टेंट की बात भी पूरी हुई, आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो हमने अब तक दो अलग अलग वीडियोस में आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करवा दिए हैं, अब हमारे को तीसरे वीडियो में डिस्कस करना है आपका चैप्टर नंबर 3। और वो चैप्टर नंबर 3 आपको सबको पता है कौन सा है, अभी सब जानते हैं ना, वो है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला। तो अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर 3 की बात करने जा रहे हैं, तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते चले जाए, बहुत सारी चीजें इसमें देने जा रहे हैं, और आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। और मैं कहूंगा अगर आप इन वीडियो से बेनिफिट पाते हैं तो फिर आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि कम से कम आप जैसे 10 जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। आपको हमारे बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.batrasar.com पे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।